चूम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। मैं आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का नुस्खा आज बताने वाली हूँ। ये मैंने किसी एक्सपर्ट से पूछा है, तो ये नुस्खा है इस तरह का है कुछ कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छी गुजारें। तो आप पहले प्लान कर लें, ज़रा एक पेपर लीजिएगा, पेन लीजिएगा और बैठिए। अब अगर आपकी ज़िंदगी आप गुजार चुके हैं, ठीक है, बच्चे भी हो गए हैं, अब बच्चों के बच्चों के लिए प्लान करने के लिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। एक आइडियल ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको प्लानिंग इस तरह की करनी चाहिए कि एक ऐसी जॉब होनी चाहिए, बेटी है अगर आपकी तो उसकी शादी ऐसे घर में करनी चाहिए जहाँ नंदे कम हों, सास ऐसी हों जो ज़्यादा बोल नहीं सकती हों, यानी कि बिस्तर बिस्तर पर हों, और हाँ खिदमत करनी हो उनकी लेकिन बस वो ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से ताने नहीं दे सकती हूँ, इंटरफेरेंस नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, सास ऐसी हो, ससुर हो बहुत ही फ्रेंडली से जो हमेशा बहू का साथ देने वाले हों, और देवर एक दो हों तो चलेगा। छोटी फैमिली में अपनी बेटी की शादी कीजिए, उसके बाद उसकी बेहतर ज़िंदगी के लिए उसको यही समझाइए कि बच्चा बच्चे दो ही अच्छे, खुशहाल घराना, एक बेटी एक बेटा, और मियाँ की कमाई, हाँ मियाँ की बेट, और ये ज़रा उसके गृह में बांध दीजिएगा कि अगर बेटियाँ दो हो जाए तो उसके बाद ये ना सोचे कि चलो तीसरा एक और बच्चा कर लेते ताकि बेटा हो जाए, और इस तरह आप फिर लाइन लगा दें बच्चों की। बेटियाँ भी बेटों से कम नहीं है आजकल, ठीक है, बच्चे दो अच्छे, दो ही अच्छे, खुशहाल कराना, फिर मियाँ की तनख्वाह जैसे ही मिले कमेटियों में डाल दो, इधर कमेटी उधर कमेटी, ये हर तरफ कमेटी कमेटी। ये अच्छी प्लानिंग आपने अपनी बेटी के कान में डाल दी, बचपन से ही डालते रहें। उसके बाद फिर और बनाए कहानी आगे, तो फिर बेटी को कहीं घर अपना होना चाहिए, किराए का नहीं होना चाहिए, चाहे छोटा ही हो घर अपना हो, उसको यही पटियाँ पढ़ा पढ़ा के आप उसकी शादी करें कि बेटा घर अपना बनाओ, और घर अपना बनाने के चक्कर में वो फजूल जेवरों में पैसे ज़ाया नहीं करेगी, फजूल दावतों में पैसे ज़ाया नहीं करेगी, वो पैसे बचा के रखेगी। और इसी तरह आप उसको ये भी बता सकती हैं कि फिर उसके बाद तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं तो तुमने शादियाँ किस घर में करनी है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आइडियल प्लानिंग करने की कोशिश तो करता है लेकिन कुछ उलट पुलट भी हो जाता है उसकी ज़िंदगी में। लड़का सोचता है कि मैं पढ़कर इस तरह की इतनी तनख्वाह वाली जॉब पे लगूंगा, और कभी ऐसा होता है कि वो नहीं लग पाता। फिर लड़की सोचती है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी, और मेरे ख्वाब हैं कि मैं ब्रेन सर्जन बनूंगी, लेकिन उसकी जब अम्मी अब्बू उसका रिश्ता कर देते हैं और मियाँ कहते हैं नहीं भाई तुम घर में बैठो, तो मुझे घर में बैठी हुई अच्छी लगती, तो उसके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आपकी कमेटी निकलेगी तो आप वो वाला सेट जो आपकी देवरानी ने लिया हुआ था वो सोने का सेट खरीद कर ले आएंगी। जब आपकी कमेटी निकलती है और गोल्ड वाले के पास जाती हैं तो पता चलता है कि सोने के दाम तो फिर ऊपर चढ़ गए, महंगे हो गए, फिर आपके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं, फिर आपकी प्लानिंग अधूरी रह जाती है। तो प्लानिंग चलाने वाली एक ही ज़ात है और वो है अल्लाह ताला की ज़ात। वो हमारे लिए प्लान करके हमारे नसीब में लिख के हमें उसने इस दुनिया में उतारा है, और हम चाहे कितनी भी कॉपी पेंसिल लेकर प्लानिंग कर लें, हम उस प्लानिंग को कामयाब नहीं बना सकते जब तक कि वो ऊपर वाला ना चाहे, क्योंकि हमें कभी कभी नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता कि जिस चीज़ को हम बहुत चाहते हैं, जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं, वो जब हमारी अपनी नहीं हो रही होती और हम उसको नहीं पा रहे होते, इसका मतलब उसकी मसलहत है और हमारे लिए और बेहतर उसने कुछ सोचा हुआ है। ये बात अगर आप अपनी गिरह में बांध लें तो शायद आप कभी भी अफसरदा नहीं होंगे, कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेरी प्लानिंग थी, मेरी छोटी छोटी प्लानिंग होती है और मैं उतनी छलांग लगाती हूँ जितनी मैं लगा सकती हूँ, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी वक़्त है। मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी, मैं शादी होके किराए के घर में गई थी,
मेरी एक ख्वाहिश थी, मैंने अपनी मियाँ को कहा छोटा सा ही घर हो, हम अपना घर लेंगे। और ये जब औरत के जहन में होती ना बात, वही बात आहिस्ता आहिस्ता मर्द के जहन में बैठती है। तो मेरे मियाँ ने एक छोटा सा अपार्टमेंट ख़रीदा जिसमें हमने नदानियाँ शूट किया था, और उस छोटे से अपार्टमेंट में हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे। दो कमरों का घर था, आराम से सफाई भी हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग बढ़ती, फिर मेरे मियाँ ने प्लानिंग की कि नहीं ये घर छोटा है, बच्चे बढ़ रहे हैं तो फिर बड़ा घर होना चाहिए। फिर हमने पैसे जमा करके जोड़ 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 के फिर एक घर ले लिया, बंगला ले लिया, जिसमें हम, बहुत बड़ा नहीं है हमारा घर, छोटा सा ही है, लेकिन ये है कि वो उस अपार्टमेंट से बड़ा था। तो इस तरह हम लोग छलांगे लगाते हैं, लेकिन एक एक सीढ़ी चलते हैं। ऐसे नहीं करते कि हमें 1000 गज के बंगले में जाना है, 2000 गज का बंगला लेना है। इंसान ख्वाब वही देखे जिसको वो अप्रोच कर सके। ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, ख्वाब देखना मना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चलना जो है वो बड़ा सेफ और सिक्योर रहता है। फूक फूक के कदम उठाना, मैंने यहाँ देखा है लोगों को उनकी प्लानिंग्स के चक्कर में कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं, बड़ी गाड़ी रख लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं, और उसके बाद फिर वो जो दिन गुजरते हैं ना उस प्लानिंग तक पूरा करने के लिए, जो आपके ख्वाब होते हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सो मेरा मानना यह है कि एक्सपेक्टेशन ज़िंदगी से वही रखो जो आपको लगता है पूरी हो सकती हैं। जब आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हो और पूरी नहीं होती तो आप जल कोड़ के शुगर के मरीज हो जाते हैं। एक किसी ने तब क्या खूब कहा था कि सारी उम्र जो अमीर लोग हैं, मैं आगा खान हॉस्पिटल में किसी को देखने गई थी, तो मैं देख रही थी यार कितने में ज़बरदस्त कमरे और क्या क्या बनाया हुआ है, तो मुझे किसी ने क्या खूब कहा कि एक आदमी सारी ज़िंदगी काम करता रहता है, पैसे कमाता रहता है, इतने पैसे जमा, एम्पायर खड़ी कर लेता है, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, अपनी फैमिली को टाइम देता, और उम्र के उस आखिरी हिस्से में वो सारे पैसे जो उसने कमाए होते हैं उसकी बीमारियों में निकल जाते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे पैसे कमाने का, क्या फ़ायदा उस बड़े कमरे में अपने आखिरी वक्त गुजारने का। कितना मज़ा आए कि जब आखिरी वक्त हो आपका तो आपके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे आपके करीब हों, आप उनको हंसता खेलता देखें, यानी कि आप घर में ही मौजूद हों। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको एक बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी फैमिली से मिलवा रहे हैं जो काम भी करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं और ज़िंदगी के मज़े खूब लूटना जानते हैं। आइए उनसे थोड़े से मज़े, हम भी उनसे टिप्स लें कि ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली आपके साथ है तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद खुशगवार हो जाती है। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली है ना इसलिए बोल रही हूँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ कैसी फैमिलीज, फैमिली से जो साथ मिलकर काम करती है, साथ मिलकर इंजॉय करती है, और जिस फैमिली मेंबर के सरबराह को मैं इस वक्त बुलाने वाली हूँ, उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनको हज़ारों लाखों ड्रामों में देख चुके हैं एज एन एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत रोल्स अदा करते हुए, और उससे भी पहले आप उनसे बहुत सारी न्यूज़ सुन चुके हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जो खैर उस ज़माने में तो तहमल मिजाजी से न्यूज़ सुनाई जाती थी, उस ज़माने में ये नहीं होता था कि आज ये हो गया आज वो हो गया, बहुत ही तरीके से उन्होंने आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ भी आप तक पहुंचाई हैं और बुरी बुरी भी न्यूज़ बहुत ही तरीके से पहुंचाई हैं। आज वो अपनी ज़िंदगी की, लाइक अपनी फैमिली के हवाले से कुछ न्यूज़ आप तक पहुँचाना चाहती हैं जो आपको पहले तो पहुँच चुकी है, लेकिन उनकी ज़बानी अगर पहुँचेगी ना तो उसका मज़ा ज़्यादा आएगा। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट एक्ट्रेस, फेवरेट न्यूज एंकर सबा फैसल। बहुत मुबारक, थैंक यू, प्रमोशन जी। सुनिए न्यूज, हम आपकी न्यूज सुनने के लिए बेताब हैं। अच्छा, हाँ ब्रेकिंग न्यूज क्या है? अच्छा ब्रेकिंग न्यूज तो अब वो नहीं रही वैसे, लेकिन ये है कि माशाल्लाह बेटे की शादी की है। माशाल्लाह, तो न्यूज ऐसे सुनाती थी आप, माशाल्लाह बेटे की शादी की? अच्छा है। अब तो न्यूज पढ़े हुए अरसा हो गया निदा, हाँ तो थोड़ा याद तो करें ना, जैसे न्यूज सुनाती थी उसी तरह आपने बेटे बेटी को बहू को बुलाए जरा। अच्छा उस तरह से बुलाना है? क्या बिल्कुल उसी स्टाइल में आपको देखना चाहती हूँ लाइव। नाज़रीन जी, अब मैं अपनी बहुत प्यारी बेटी सादिया फैसल को इनवाइट करती हूँ आपकी भरपूर तालियों में। सादिया फैसल पानी की लहरों पे
जब तुझे चांद देखे अच्छा ये तो आ गई है, मगर मुझे कहना था कि सभा की बहुत ही खूबसूरत बेटी जिनकी आंखें बहुत प्यारी हैं, जिनके बाल बहुत हसीन हैं, जिनका रंग रूप हसीन हसीनो जमील है, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। बाकी एक्टिंग भी आप बहुत अच्छी करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। अब आप अपने दूसरे फैमिली मेंबर को बुलाने वाले। अच्छा ये आते ही आप मुझसे काम करवा रही हैं, ये देखिए जरा। और अब मैं बुला रही हूँ अपने बहुत प्यारे बहुत अजीज बेटे सलमान, और यानी कि नौ ब्याहता जोड़े को, सलमान एंड नेहा। ये देखिए स्मार्ट है आपकी तरह माशाल्लाह। वेलकम वेलकम टू सर्विस फैमिली। माशाल्लाह सास तो स्मार्ट है लेकिन बहू भी स्मार्ट इन्होंने ढूंढी है ना। बिल्कुल बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था कि फैमिली के सारे इतने खूबसूरत लोग हैं तो बहू भी उसी हिसाब से लेकर आए माशाल्लाह। सलमान आपने ढूंढी है कि अम्मा को मौका दिया ढूंढने? मैंने खुद ढूंढी, खुद ढूंढी है ये। अच्छा खुद ढूंढने के बाद इन तक कैसे पहुंचाई, पहुंचाना इन तक जरा आसान था या मुश्किल था? सादिया से कोई हेल्प ली? एक्चुअली अम्मा से तो बात करनी थी तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कैसे बात करूं, तो हम एक फंक्शन पे गए थे तो वहाँ एक पिक्चर लेकर फिर मैंने अम्मा को पिक्चर सेंड की। तो जब मैंने अम्मी को पिक्चर सेंड की तो अम्मी ने कहा आए तो बड़ी प्यारी है। नहीं मैंने जब एक्चुअली इसने मुझे पिक्चर सेंड नहीं की थी, भूल रहा ना, ये इसने अपनी खाला को भेजी थी और मेरी बहन ने एक ग्राउंड बनाया और मुझे उसने बताया कि इस तरह बाजी सलमान एक लड़की को पसंद करता है। मैंने कहा अच्छा कहती आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ भाई। लेकिन मैंने तो आपसे खुद पहली दफा बात की थी जब मैंने आपको पिक्चर भेजी थी। तो फिर सना ने फिर मैंने इससे बात की, इसने कहा कि मैं आपको पिक्चर भेजता हूँ, इससे पिक्चर भेजी। मैंने कहा भाई ये तो तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अच्छा आइए आप लोग बैठे, मैं जरा डिटेल में सवाल करूँ ना फिर क्या हुआ जिसका क्या, जो जहाँ बैठना चाहते हैं जहाँ जिसका जो एंगल अच्छा भाई आपका जो एंगल अच्छा आप उस हिसाब से मैं बैठ गई है ना। ये मेरा नहीं अच्छा होगा तो मैं ऐसे करके बात कर लूंगी और क्या। अच्छा देखिए सबसे पहला सवाल तो ये, क्योंकि मुझे आपकी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता है और हो सकता है मेरे कुछ जो नाज़रीन ये वाला शो देखते हैं हो सकता है उन्होंने दूसरे शोज नहीं देखे हों, तो मैं उनके लिए भी पूछना चाहती हूँ कैसे मुलाकात। समरीन नाम है आपका? नेहा सॉरी समरीन, कंफ्यूजन हो गई, पहली मुलाकात है नेहा, आई एम सो सॉरी। नेहा एंड सलमान जी। सलमान पहली मुलाकात नेहा से कहाँ हुई, कहाँ देखा था आपने? सॉरी अम्मी के सामने पूछ रही हूँ। नहीं अम्मी को पता है, अम्मी को पता है। हमारी पहली मुलाकात हुई थी एक गेट टुगेदर में। अच्छा फ्रेंड्स का था तो ये मलेशिया से आई थी। अच्छा तो ये अपनी मलेशिया में रहती थी आप? मैं शिफ्ट, हम लोग शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा जी। तो मले आती थोड़ी। अच्छा अच्छा तो ये आई थी एक गेट टुगेदर था। हाँ तो जब ये आई तो मैंने देखा तो मुझे तो देख के साथ पसंद आ गया। अच्छा तो नेहा की नजर भी पड़ी आप पे कि इनको पता ही नहीं था? नेहा ने देखा ही नहीं था। अरे नेहा ने देखा ही नहीं था। मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लगी थी। अच्छा मैंने कहा देखा ही नहीं कि अपने में गुम है, ज्यादा अच्छी थी। तो फिर मुझे था कि अब मुझे ऐसा लगा था कि कमिटेड होंगी, कहीं एंगेज होंगी, कोई मंगनी चंगनी, लेकिन कुछ भी नहीं था ऐसा। हाँ, तो पूछा किससे ये बात आपने, इंक्वायरी किससे कराई कि ये? मैंने इनकी कजन थी। अच्छा उनके साथ सलाम दुआ थी। हाँ, तो फिर उनसे पूछा मैंने कहा क्या है इनका मतलब ये कमिटेड है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि नहीं कमिटेड नहीं है। अच्छा, तो मैंने कहा बस बस अब तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा फिर नेहा फिर क्या हुआ आगे की कहानी आप बताएं जरा। फिर इन्होंने काफी मेहनत की मेरे तक, लाइक कि मैसेज किसी तरह कन्वे हो जाए। अच्छा तो फिर ये कन्वे इन्होंने किया मैसेज, तो मैं कह रही थी कि हम उस मेहनत में क्या क्या इन्होंने किया जरा खुल के बताइए। इन्होंने काफी मेरे ख्याल से मेरी कजन से काफी इन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लेते रहे। अच्छा फिर उसको कहते रहे कि कोई प्लान आप करें जिसमें नेहा भी हो। आप तक ये मेहनत पहुंच रही थी? मुझे ये अप्रोच चली गई थी फेसबुक, और मेरी कजन मुझे बता रही होती थी, वो भी बता रही होती थी, रिक्वेस्ट भी भेज चुके थे।
ये नहीं मुझे पता, ये आज पता चल रही है मुझे पता है ना, फ्रेंडली अम्मी है, अम्मी फ्रेंडली है। मैं इनको जानती हूँ इसलिए मैं सब बातें पूछ रही हूँ, वरना इतनी हिम्मत नहीं करती हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर इन्होंने जैसे भी किया अपना मैसेज कन्वे मेरे तक पहुँच गया। मेरी कजन ने फिर काफी कहा मुझे, मैंने कहा अच्छा देखती हूँ शोबिज़, क्योंकि थे मुझे था कि ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ गोइंग टू बी एक्टिंग इन द फ्यूचर। तो मुझे नहीं लगा कि आई डोंट नो कि पता नहीं पता क्या नहीं। हो कैसी फील्ड है, क्या है भाई हीरोइनों के साथ काम करना, ये मम्मी के सास वाले कैरेक्टर को अच्छा दमदार डर लग जाता है ना बंदे को, वो ज्यादा डरने वाली बात है। दास्तान वगैरह देख लिया होगा? नहीं दास्तान नहीं, वो पता दुर्रे सहवाल, दुर्रे सहवाल जालिम सास है? वो ऐसा लगता था वो जब तक देखा सिर्फ टीवी पे, उसके बाद जब देखा उनको रियल लाइफ में तो फिर पता लगा कि एंटायरली ऑपोजिट। मेरे साथ भी सेम सीन हुआ था, क्योंकि मेरे जो ससुर मरहूम है वो विलनिश कैरेक्टर्स करते थे, तो जब मेरी भी शादी हो रही सब कहते हैं विलन के घर जा रही हो, विलन के घर जा रही हो। अच्छा हाँ करने में नेहा ने कितना टाइम लगाया? मैंने काफी ज्यादा टाइम, काफी टाइम लगाया था। अच्छा उतने उस दौरान ये मेहनत कर रहे थे, ये मेहनत कर रहे थे। इन्होंने उस मेहनत में कहीं सादिया को शामिल कराया होता है ना, कुछ बहनों से फोन मिलवाते हैं, आपा को भी, खाला को भी, खाला को भी कहते हैं। तो बिजनेस में आने के बाद कोई आपा नहीं होती है, बोला समझाएं ना सबको, देखो जरा मैं तो इंटरनेशनल आपा बन चुका हूं क्योंकि मैं भी आपा कहती हूं। सर अम्मी मेरे सेट पे फिर जो यंग यंग लड़के होते हैं वो भी आपा कहना यार, ये तो गलत बात है, ये गलत है। कहती है अम्मा आपके सेट्स पर जब आपकी एज की सारी जो आपाएं हैं उनको आपा कहा जाए वो भी माइंड करती हैं, तो आप लोग मुझे आपा कहते हैं? लेकिन अब काफी हद तक कम कर दिया मैंने। हाँ कम कर दिया भाई, तो शोज में तो कम अज कम नहीं कहते, नहीं मैं बड़ी भी तो हूँ तो खैर लगती हूँ नहीं हो ना। हमारे जितने फ्रेंड्स हैं वो हमसे आपा से भी मतलब एज में ज्यादा है, तो क्योंकि हम आपा कहते हैं तो सारे आपा जगह तो आपा बना दिया यार, ये तो अच्छा है सारे। हाँ अच्छा क्या कॉन्सेप्ट आते हैं ना आपा का, के आपा वो कौन है आपा, तो आपा मैं निकलती वो इतना फनी कौन है। जैसे सलमान ने बताया होगा ना नेहा को कि मेरी आपा है फलाना, उन्होंने भी कोई कॉन्सेप्ट बनाया, पता नहीं नेहा ने क्या बनाया। और जिस टाइम पर मैंने देखा तो मैंने कहा ये आपा है, मैंने कहा ये आपकी बड़ी बहन है, आप श्योर है? नहीं मेरी मुलाकात हुई थी, नेहा आई थी, हाँ जी वो हमारी जो फ्रेंड थी उसके साथ, वो नेहा की कजन है। अच्छा तो उनके साथ हमारी दोस्ती थी, तो फिर नेहा उनके साथ आई थी। अच्छा तो फिर मुझे सलमान ने पहले बताया था कि आपा वो उनकी कजन आ रही है तो जरा आप देखना कैसी लगी। फिर मैंने देखा, फिर मैंने मुझे तो बहुत अच्छी लगी नेहा, बहुत प्यारी लगी। तो फिर मैंने फिर मानी ने मुझे बताया आपा मुझे पसंद है। अच्छा और आपको बताओ आपकी मंगनी होने वाली भी हो गई थी, तो हम एक साथ एक शो में थे, मदर्स डे का कोई शो था, आपके दूसरे बेटे और आप थी। फिर इन्होंने इतनी खुश होकर ना मुझे बताया, एक्साइटेड जैसे थी, तो मुझे लगा है जब मेरे भी बड़े बेटे की होगी ना, या जब मेरी खुशी होगी, ऐसी ही खुशी होगी। इतनी एक्साइटेड थी कि मेरे बच्चे की मैंने मंगनी करने वाली हूँ, उसे करने वाली, और इतनी प्यार आपकी, कोई इतनी तारीफें की, इतनी तारीफें मैंने देख रही, मैंने कहा अल्लाह सास कितनी तारीफें कर रही है। अच्छा सास का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा बन गया, कुछ ऐसा बना हुआ है, जब ऐसा होना नहीं चाहिए, सास बहू की तारीफ ही नहीं कर सकती। और मैं तो अब सादिया को जैसे शोज वगैरह में आना हो या डिनर्स पे जाना है या इवन शादी के दौरान भी, मैं अब सादिया को इतना, क्योंकि माशाल्लाह अब शुरू में इसको भी मेकअप वेकअप का, नेहा माशाल्लाह खुद को उसने बड़ा मेकअप वेकअप करने में, ड्रेसअप होने में बहुत एक्सपर्ट है माशाल्लाह। लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था ना, तो मैं अपने मुताबिक करना चाहती, तो अब मैं सादिया को कुछ नहीं कहती कि ये कर लो सादिया ये कर लो, क्योंकि ऐसे पता चल गया अम्मा का ये टेस्ट है, अम्मा को ये तैयारी चाहिए, ये तो हो जाती है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उसकी चेयर के पास खड़ी हो जाती हूँ, नेहा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा ये अगर पहनो ये ज्यादा अच्छा लगे, अच्छा माँ जी ये पहन लू पहले, तो ये चीजें चल रही होती है ना। मैं जहाँ ये तैयारी होती है ना इसकी मैं देखती रहती हूँ, तो बहुत अच्छा। आपको शौक नहीं, जैसे सासों को शौक होता है ना, मेरी बहू सोने की चूड़ियाँ यहाँ यहाँ पहनी हो, खानदान वाले आए तो देखो सोना तो जो हमने तुम्हें दिया है वो तो सब पहन के रखो ना, मतलब वो भी बड़ी फनी सी बात है। मैं शादी से पहले भी इसको गिफ्ट वगैरह देती रहती थी, तो वो भी ये जब मैं जाती थी कभी पहने होते थे कभी नहीं भी पहनती थी, जाहिर है कि इतना वो,
अब सादिया वगैरह जिक्र तो करते रहते थे ना कि अम्मा जो चीजें देती है ना फिर नोटिस भी करती हैं पहनी या नहीं पहनी. तो नेहा को ऐसा तो जाहिर है बच्चियों को नहीं पता होता, तो नेहा को ऐसा ऐसा ही चीजें पता चली. तो अब मैं टेंस थी, मैंने कहा शादी के बाद मुझे लगता है नेहा बहुत कैजुअल रहेगी. हाँ, मुझे अच्छा लगता है हर वक्त नहीं लेकिन मौके की मुनासिबत से तैयार होना बस मेरी कमजोरी है. तो अब जाहिर है इसके मैंने कपड़े भी काम वाले बहुत बनाए. तो जब फर्स्ट डे शादी के बाद ये मैंने कहा बेटा कौन से पहनोगे, माँ जी आप बताएं. मैंने कहा अच्छा मेरे ख्याल में वो पहन लो, आगे आपकी मर्जी. मैं सिर्फ सरसरी सा कहकर आ गई. अब जब ये तैयार होके सीढ़ियाँ उतर रही तो मैंने देखा माँ जी ठीक है. मैं कहती हूँ मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक तैयार है. अरे वाह, इसने चूड़ियाँ भी पहनी, इसने ज्वेलरी भी, इसने अंगूठियाँ भी. तो मैं इसकी एक एक चीज देख रही थी. मैंने कहा कितनी अच्छी लग रही है. और थैंक यू नेहा, आपने आपको पता था. कहती माँ जी आपको नहीं पता, मुझे खुद बड़ा शौक है. अरे ये तो बड़ा मजा आ गया ना, मतलब होता है कभी कभार. नहीं नहीं, वरना लड़कियां क्या करती हैं, सासें या गिफ्ट बहुत प्यार से दिए जाते हैं, वो एक साइड पर ही पड़े रहते हैं, वो पसंद ही नहीं आ रहे होते या वो उनको शौक नहीं होता. तो गिफ्ट देने वाला फिर बहुत वो समझ, वो कंफ्यूज भी हो जाता है मैं क्या अगली दफा क्या दूं, क्या कि उसको तो पता नहीं पसंद नहीं आया, दूं ना दूं, फिर वो वाली चीजें हो जाती. लेकिन ये है कि नेहा की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर नेहा को भी फील हो जाएगा कि क्या क्या चीजें मैं नोटिस करती हूँ. मतलब ऐसे तो बैठ के नहीं आप बताते, देखो मुझे बड़ा अच्छा लगता है तुम जेवर पहनो ये वो. लेकिन ये जब आप इंटरव्यूज दे रहे होते हैं ना तो मियां बीवी को भी आपस में बहुत सारी बातें पता चलती हैं. पता चलती है. तो मैं एक तो ये बात की तैयारी इसकी, रिंग्स और चूड़ियां और तैयारी, मेकअप, बाल, मतलब हर चीज, जूते तक इसके हेड टू टो. ये तो बहुत तो नेहा जब दावतें वगैरह होती थी तो तुम पार्लर तैयार होने जाती थी, खुद ही कर लेती बाल? नहीं ना, खुद कर लेती. मैं तो अपने बाल बाल बनवाने, सादिया हम लोग तो ब्लो ड्राई वगैरह करवाने. नहीं माँ जी मैं खुद करूंगी. मैं खुद तैयार हूँ. अरे वाह जबरदस्त, एक दिन भी नहीं गई है. अच्छा एक अच्छा अम्मी को तो सलमान शौक है कि बहू मेरी बेटी भी खुद भी मैं तैयार हूँ. सलमान को कितना शौक है कि उनकी बेगम तैयार है? यानी मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है. अच्छा लगता है मतलब आपकी बीवी जरा घर आऊं मैं जरा वो चीज अच्छा लगता है. और मुझे लगता है कि ना आपके हीरोइनों के साथ काम करके जब मैं घर आऊं तो मेरी बीवी मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए. मेरे ख्याल में ये रिलेशन में ना एक आपकी अट्रैक्शन भी रहती है. आप रिलेशन को मतलब आप अच्छे बन के एक दूसरे के सामने आ रहे हो, मुंह पे स्माइल है, तो वो आपका रिलेशन भी ज़्यादा खूबसूरत करती है. वरना मैंने बड़े देखे हैं ऐसे कपल कि कुछ अरसे बाद मतलब लड़की भी मतलब तेल निकला, आवाज आ, लड़का भी, तो वो उनकी ना एक अट्रैक्शन भी खत्म हो जाती है. अच्छा मैंने यही सोच के ना कि शायद हस्बैंड्स को अच्छा लगता, मैंने ना लिपस्टिक वगैरह लगा के तैयार बैठी, यासिर आया तो कहते हैं कहाँ जा रही हो. मैंने कहा अबे यार रेड लिपस्टिक क्यों लगाई हुई. मैंने कहा मैं तो तुम्हारे लिए लगाई, आजकल यही सब कह रहे हैं कि भैया आए तो तैयार हो, तो मेरी तो बेइज्जती हो गई. मैं तो अगर सोने की चूड़ियाँ पहनूँ तो उतार दो भाई, तो चोरी हो जाएगी. हमारा तो बहुत अजीब सीन होता है. नहीं मैं तो इसे कहती हूँ कि भाई रखो और पहना करो. पहननी चाहिए. और दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी कि अभी तक, खैर उसमें भी हर्ज नहीं था, अभी तक इसने मेरे सामने या इधर वही कपड़े पहने जो मैंने बनाए हैं. देखिए इसमें भी एक वो पहन सकती है अम्मी की तरफ के भी, वो भी बहुत प्यारे प्यारे हैं. लेकिन शायद एहसास किया कि माँ जी ने बनाए हैं ना तो मैं पहनूंगी तो इनको ज्यादा खुशी होगी. तो ये बात भी मैं ऐसी ऐसी बातें सारी टिप्स जो है ना वो सारी बहुएं सुन लें कि सास किस किस चीज से खुश हो सकती है. एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद टिप्स आप लोगों के लिए, सासों के लिए भी, बहुओं के लिए भी, नंदों के लिए भी और हस्बैंड्स के लिए, नौ बयाता जोड़ों के लिए भी. एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक खूबसूरत फैमिली हमारे साथ आज आपके सामने आज की सुबह. और बहुत सारी टिप्स सासों के लिए, बहुत सारी टिप्स नंदों के लिए, बहुत सारी टिप्स बहुओं के लिए, नौ बयाते जोड़े के लिए आज आपको यहाँ मिलेंगी. फर्स्ट हैंड नॉलेज इनकी जुबानी और मैं पूछूंगी. अच्छा जी अब ये लेकिन मजे की बात, अभी जो तस्वीरें चली हैं उसमें नेहा की तस्वीरें थी, इतनी प्यारी खूबसूरत लग रही थी,
शादी का जोड़ा और वलीमे का जोड़ा, शादी का जोड़ा किसने बनाया, किसकी पसंद थी? शादी का जो था वो मेरी, हम मिलके पसंद किया। अच्छा, मिलके पसंद किया। और वो एचएस वाई का था, वलीमे का तो मार्जिन के। अच्छा, वलीमे का आपने बनाया था वो खुद? तस्वीर अगर प्लीज दिखा सकते हैं वलीमे वाली? और किसी डिजाइनर का नहीं था, सबा फैसल। सबा फैसल निकाह पे भी अम्मी कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? तस्वीर के हिसाब से मैं डिस्कस करूंगी। ये तो मेरी तस्वीर आ रही है, हाँ ये आ गई। अच्छा, मेकअप इस वक्त मेकअप नजर आ रहा है हमें, तो मेकअप कहाँ से करवाया? मेकअप अब आप बताओ जरा। मेकअप था हुसैन रजा, हुसैन रजा, बहुत मेकअप हुआ, बहुत अच्छी तस्वीरें आई। और ये ज्वेलरी कहाँ की है? ये नेहा, ये मेरी फैमिली ने। अच्छा, मुझे एक्चुअली खुद भी मेरी फैमिली ने बताई ही थी कि चीने बेटा आपने ये पहनेंगे। अच्छा, और जो जोड़ा, जोड़े का की तस्वीर है हमारे पास, तो वो जोड़े की तस्वीर ढूंढ के दिखाएं। वो ये HSY का जोड़ा जी, और आपने शेरवानी भी HSY की थी। अच्छा, वो पूरा हाँ बहुत, लेकिन मालाएं मैंने खुद की थी। मालाएं खुद भी बताए ना, खुद नहीं की थी बताए, मतलब अच्छा जूली डिजाइनर की खाला। हाँ जी, ये आगे ये HSY के जोड़े हैं दोनों। आप देखिए सलमान का जोड़ा भी, नेहा का जोड़ा भी, और जो माला है वो इनकी खाला ने डिजाइन करी। अच्छा, तो ये माला है आपने जो पहनी है वो खाला की है, और जिन्होंने ज्वेलरी पहनी है वो अपने। और मेकअप हुसैन, हुसैन रजा, हुसैन रजा लाहौर में, लाहौर में होते हैं। बहुत अच्छा मेकअप करता है, सैलून के नाम से। अच्छा अच्छा, डिफेंस। ये तस्वीर एक और आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐसी कोई फिल्मी तस्वीरें खींची। मैंने कहा ये होता है कि हीरो को फायदा होता है कि सारे पता है। ये जब शूट हो रहा था तो इरफान एहसन जो थे वो कह रहे थे मुझे मजा आ रहा है, बस आप लोग के पास कितना टाइम है, मैं खींचता जाऊंगा। क्योंकि दूल्हा दुल्हन जो है ना उनको वो हाइपर हुए, बोलते चलो चलो हॉल चलो, तो ये तस्वीरें नहीं खींच, इन्होंने तहम्मुल से तस्वीरें खींची। हर चीज हम लोगों ने टाइमिंग का इतना ख्याल रखा था, किसी चीज में भगदड़ नहीं थी। अच्छा, आप लोगों के भी लुक मैं दिखाना चाहता हूं। अच्छा, हमारे निकाह का जो कपड़े थे वो भी अम्मी ने डिजाइन किए थे। अभी हम दिखा रहे हैं बारात में, आप दोनों जरा दिखाओ कि सादिया और ये निकाह की है, ये नहीं ये बारात की है। अच्छा, बारात की। ये मेरा जोड़ा भी मैंने खुद बनाया। अच्छा, आपने खुद बनाया ये? साथ मेरी चचा की बेटी है, ये अमेरिका से आई थी। अच्छा, और इन्होंने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। उनको तो बहुत मजा आया होगा, अमेरिका में ऐसी शादियां थोड़ी होती हैं। बहुत मतलब लाइक लड़के की माँ को भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। हमारे यहाँ मैं ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये भी ज्वेलरी बाय इरिज सना। अच्छा अच्छा, जबरदस्त, कितनी हसीन आप लग रही हैं। और मेकअप मेरा भी हुसैन का है। अच्छा, आपका भी हुसैन, जबरदस्त। सादिया की भी तस्वीर दिखाई, मुझे सादिया के भी कपड़े दिखाने हैं लोगों को कि भाई बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इंस्टा फेसबुक, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हो सकता है नहीं देखा हो, तो उनको हम अभी दिखाते कि सादिया, हाँ सादिया की तस्वीर दिखाई, ढूंढ रही है ढूंढ के फिर हमें मुझे बताइए ताकि फिर मैं उस तरफ दिखाए। सादिया ये कब की है? ये बारात की, ये बारात की है। और ये मैंने अपने वलीमे का जोड़ा पहना हुआ, अपने वलीमे का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हें साइज कुछ इधर उधर कराना पड़ा या पूरा नहीं आ गया? ये एक्चुअली मैक्सी थी। हाँ, तो इसको रीडिजाइन किया था मेरी डिजाइनर ने। अच्छा, तो फिर उसने घाघरा चोली बना दिया तो ताकि तुम कैरी कर सको आराम से ना, तो वो मैक्सी जरा मैं पहनना नहीं चाहती। अच्छा, शादी में तुम लोगों ने मेहंदी की थी क्या? मेहंदी और शादी एक साथ, जिसमें आप बोर नहीं हो रहे हैं और आप डांसेस भी कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे टाइम लिमिट्स होती हैं। हाँ, लाहौर में। हाँ, तो फिर टाइमिंग्स का बहुत ख्याल करना पड़ता है, तो फिर इसलिए शुरू कितने बजे हुई थी, लाइक बारात कितने बजे आई थी? हम 7 to 10 टाइमिंग्स होते हैं, हम 7:30 तक, 7:30 से 10 के बाद 10 बजे लाइट्स ऑफ करना शुरू करते हैं। अरे नहीं यार, अरे भैया, लेकिन हमने इतने टाइमली किया कि हमें वो टाइम कम नहीं लगा। आपको अच्छा मजा आया, डांसेस भी हो गए, सब कुछ हो गया। हम लोगों ने हाफ डांसेस मेहंदी पे कर लिए थे, हमारे घर पे संगीत हुआ था। अच्छा, हमने उधर डांसेस कर लिए थे, बाकी फिर हमने तकरीबन 2 मेहंदियां थी, एक हमारे घर में संगीत था। अच्छा, तो वो भी मेहंदी थी जिसमें आप अभी देख रही थी सभा कमर वगैरह सब। वो मुकाबला हुआ मेहंदी में, जो मुकाबला होता है? नहीं, उस वो मैं वो नहीं चाहती वाला थी, लड़की वाला मुकाबला नहीं, लेकिन वो शेंदी पे किया था नेहा की तरफ से, हमारी शेंदी पे जो थी दोनों साइड्स पे, तो वो सबकी पावर पैक परफॉर्मेंस। अच्छा, आप तो ज्यादातर डांसेस की तरफ चले गए ना, मुकाबले, वो पहले तो गाने होते थे, ढोलक होती थी, गुड़ती हुई दीवार को, ढोलक हमने घर पे काफी बजाई, उसमें झगड़े भी हो जाते हैं।
तो ढोलक घर पर बहुत बजाई, फिर डांसेस बहुत किए, और ढोल क्या शो किया, हाँ इवेंट बहुत ज्यादा हो गए थे तो हमारे सारे शौक पूरे हो गए सारे। अच्छा वलीमे की पिक्चर्स भी दिखाएं ना हम, ताकि उनको भी डिस्कस करें, फिर हम और दूसरी बातें करेंगे। वो एक होता है ना भाई, इतनी मेहनत से पूरा इवेंट तैयार हुआ है, शादी देखा ना, जब लड़कियां इंटरव्यू करती हैं ना उसमें डिटेल बहुत होती है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं जी ऑन स्क्रीन, ये वलीमे की पिक्चर है और ये देखिए पीच कलर का जोड़ा है। ओहो हो, बहुत अच्छा डिजाइन किया है। इधर आपको जोड़े की पिक्चर सही नजर भी नहीं आ रही है ना, इसमें सही जो आंखें है ना औरत की वो देख लेती है, देख लेती है। हाँ, वो मैंने देख लिया कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और नेहा पे पीच कलर बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्शन। अच्छा मैं, मुझे ये था, मैंने कहा बेटा आपने अपनी पहले भी जोड़े वोड़े देती थी तो इसने कभी नहीं कहा था, पहन लेती थी, कहती थी बहुत अच्छा। अच्छा तो फिर मैंने बड़ा दलेरी से खुद ही डिजाइन किया, बना लिया। तो फिर जब ट्राई किया, अच्छा पहनती ओढ़ती है वो भी तो नेहा पर देखती होगी ना के, तो वो नेहा ने जब ये शॉल है ब्लू कलर की जो है, ये वेलवेट की शॉल है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन थी, ये ग्रीन थी, एमरल्ड ग्रीन है, मुझे ऐसे जैसे ब्लू सी नजर आ रही है तस्वीरों में लग रही है। अब इसका पूरा जोड़ा इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहुत खूबसूरत था इसका जोड़ा और ज्वेलरी वगैरह वो सारी ज्वेलरी सब नेहा को साथ लेकर गई थी। अब पूरा नजर आएगा, आप जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसमें ये पूरा जोड़ा आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। और आपकी शेरवानी किधर की है, ये भी बड़ी अच्छी है भाई, ये भी HSY की, बहुत। और कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है, पीच और आपने डार्क कलर पहना है ना ब्लैक, तो वो इतना अच्छा लग रहा है इसमें। ये भी मेकअप भी उनका ही है, इसने इस दिन बिल्कुल चेंज मेकअप किया था, बहुत मॉडर्न किया था, मॉडर्न और उस दिन दुल्हनों वाला मेकअप किया, ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल था। ये बड़ा मजेदार चीज होती है शादी में ना, ये चीजें यादगार होती हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बिल्कुल मेकअप नहीं करेंगे, हम ज्वेलरी नहीं पहनेंगे, बहुत लोग होते हैं, मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूँ। दुल्हन तो इसने वैसे बाकी दिनों में बहुत कम रखा था मेकअप, जैसे मेहंदी वेहंदी पर, इवन निकाह पर भी इसने बहुत कम रखा था मेकअप, क्योंकि ये देखिए बारात पर फिर इसका एकदम से एकदम लुक आया। आपको किसी खुद शौक है ज्वेलरी वगैरह, टीके झूमर ये सब उसका, या मुझे नहीं इतना, मैं वेस्टर्न ही क्योंकि रहती हूँ। अच्छा तो वो जिस वक्त, लेकिन मुझे हो ईस्टर्न अटायर, हाँ मुझे होता है प्रॉपर कैरी आप करो, तो उस वक्त मैं फिर तो सलमान को आप सबसे ज्यादा किस लुक में अच्छी लगी, वलीमा लुक में या शादी लुक में या निकाह लुक में? तीनों में। बेस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो, बेस्ट अगर आपसे पूछूं, लड़की रिलैक्स भी होती है ना, मतलब जिस दिन कभी होता है किसी दिन रिलैक्स होती है तो ज्यादा अच्छी लग रही होती है। वलीमे पे, वलीमे पे सारे हस्बैंड्स का यही जवाब होता है, वलीमे पे अपनी होने के बाद ज्यादा अच्छी लगने लगती है ना। वो सही बात है, एक फ्रेशनेस आ जाती है, एक रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। अच्छा आपने वलीमे पे साड़ी पहनी थी? मैंने साड़ी पहनी थी, हां। और तुमने क्या पहना था? मैंने भी वो ये वलीमे का था, अच्छा था ये भी, अगेन इसका वो था, इसके बारात का था ना, बारात का था नीचे वाला जो जो इसने अपनी अपनी बारात का लहंगा, अच्छा, और वो तुमने यूटिलाइज किया वलीमे पे, वो यूटिलाइज किया और ऊपर फिर शर्ट बनवा ली, क्योंकि इतने महंगे महंगे हम शादियों के कपड़े बनाते हैं, पड़े रहते हैं, रखे हुए होते हैं। 5 साल हो गए मेरी शादी को माशाल्लाह, तो वो अब पहने मैंने, और काम काला वाला भी नहीं हुआ तुम्हारे? नहीं, वो भी मम्मी ने करवाया था, मुझे जरा टिप तो दे, वो भी मैंने संभाल के रखा था। हाँ, क्या मलमल के कपड़े में बांध के? बिल्कुल मलमल की गोलियां मोलियां डाल, नहीं फिनाइल की गोलियां बिल्कुल नहीं, सिर्फ मलमल के कपड़े में लपेट लपेट के रखे, तो वैसे ही था जैसा था। हाँ, और तुमने अपने जोड़े कैसे रखे संभाल के? ऐसे ही मलमल के कपड़े में, अभी फुर्सत नहीं मिली ना, अभी तो हनीमून से वापस आए हैं, लेकिन अब जाके तो मेरे ख्याल में उनको ऐसे ही रखा। अच्छा प्लानिंग, हनीमून की प्लानिंग कैसी थी, किधर जाना है पहले से सोच लिया था लाइक शादी से पहले? एक्चुअली वो सब इन्होंने डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया था क्योंकि मेरी शूट थी आगे, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने कहा इस थोड़े टाइम पे कहाँ जा सकते हैं, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अभी दुबई और ये अज़रबैजान चले जाते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टाइम चले, नेक्स्ट टाइम ग्रुप, क्योंकि शूट थी इस वजह से करीब भी है, करीब भी है, ज्यादा नहीं लंबी, तो इसलिए। अच्छा अक्सर ऐसा होता है जब आप, आपकी मंगनी का कितना लंबा पीरियड था, जिस मंगनी के बाद? 1.5 साल। वो गोल्डन पीरियड तो होता है, लेकिन उसमें काफ़ी बातें हैं आप एक दूसरे को बता रहे होते हैं, सुनो मेरी अम्मी को, मेरी बहन को ये नहीं अच्छा लगता, मेरी अम्मी को ये नहीं अच्छा लगता, कभी वो ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा
इनको आइडिया दे दिया था? नहीं, इनको इनको आइडिया था, इनको खुद ही था, क्योंकि मैं अम्मी की भी बात करता रहता था और ऊपर नेहा की भी अटैचमेंट हो गई थी अम्मी से भी और आपा से भी, एक दोस्ती हो गई थी, तो नेहा को भी पता चल गया था। मुझे तो पूरा बाकायदा नसीहतें होती थी, मैंने कोर्स किया है 1.5 साल होते ना रंगून वाला जाती है लोग कुकिंग का कोर्स करते हैं, मैंने ससुराल में कैसे रहना, मेरी मियां ने मुझे वो कोर्स करना वो जानना भी तो वैसे जरूरी होता है, बहुत जरूरी बताना जरूरी होता है ताकि अगली को भी अगली भी इजी रहे और आराम से एडजस्ट हो जाए सब कुछ। लेकिन अम्मी और आपा और अरसलान अब्बू सबसे नेहा की अटैचमेंट थी, तो मुझे इतना बताना नहीं पड़ा, नहीं पड़ा, पर उनको खुद ही पता लग गया कि इनको क्या है क्या पसंद है, और जो नहीं पता चला वक्त के साथ साथ चलता जाए। शादी के बाद तो एक अलग ही पता चलता है, प्रोसेस ही होता है, बिल्कुल। अच्छा, हमने बड़ी मजे मजे की एक्टिविटीज आपके साथ तैयार की हुई है, मुझे वो वाली एक्टिविटी चाहिए, वो जो मियां बीवी वाली है हमने डिसाइड की थी। हाँ, जो अगला ब्रेक होगा मैं उसमें वो करूंगी, वो बहुत मजे की एक्टिविटी, आप लोगों को बड़ा मजा आएगा और आप दोनों भी इसमें शामिल हो, बिल्कुल। अच्छा, सादिया की मैं पूछना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह सादिया की शादी को कितना अर्सा हो? मुझे माशाल्लाह 5 साल 5 साल हो गए। तो सादिया की शादी जब आप पहले कर चुकी हैं तो आपको इस शादी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा करने में, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो पहली पहली शादी होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है घर। सादिया की जाहिर है हमारे घर में पहली पहली शादी थी, तो पता नहीं मुझे याद नहीं है कि कोई मुश्किल हुई हो, लेकिन अच्छा। जैसे काम का स्ट्रेस था कि उन दिनों मैं काम बहुत कर रही थी जब अच्छा। इसकी शादी थी, फिर मेरा लाहौर और कराची का बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बहुत होती थी पूरे साल में, तो मैं इसके इधर से बेडशीट्स तैयार करके लेकर गई थी अच्छा। और आप यकीन जाने इसकी शादी की 13 बेडशीट्स थी जो कि सब मैंने खुद तैयार करवाई, खुद तैयार करवाई, डिजाइन सारी खुद करवाई थी, आपने वो बेडशीट कहीं नहीं देखी होगी। तो मुझे थोड़ा सा खुद से, आप महंगी से महंगी चीज जाकर खरीद लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप इतनी बिजी हैं उसके बावजूद आप कैसे कर लेती हैं सारे? बस देखें, मैंने कर लेती, इसको पता भी नहीं होता, जब मैं जाती थी 2 बैग उठा कर ले जाती थी, तो शादी कहती अम्मा मुझे क्या जहेज में आपने सारी बेडशीट दे दी, मैं कहा बेटा ये जब निकाल निकाल के इस्तेमाल करोगी ना तो फिर तुम्हें अम्मा पे प्यार आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बर्तन आप क्रॉकरी खरीदते हैं आहिस्ता अच्छा आहिस्ता। वो वैसे शादी के ससुराल वालों ने भी मना कर दिया था अच्छा के हमें, लेकिन ली थी मैंने कुछ थी चीजें वो तो मैं वहीं से ले लेती थी, इतने छोटे मोटे काम मुझे बदर ही नहीं करते अच्छा। मुझे याद ही नहीं कैसे मैंने इसकी सारी चीजें बना ली, मैनेज की, फिर कपड़े वपड़े तो मैंने घर तो में नेहा के साथ भी ऐसे की अम्मी ने, कराची होती थी, कराची से सारे काम अम्मी ने यहाँ से सारे कपड़े सारे इधर से बनवाए, शूट में लंच ब्रेक होती थी कराची में, आप कौन से बाजार जाते हैं सबको बता के कौन जाए वहाँ मिलना है आपने। हम मैं भी अपनी बहनों की शादी पे वही घूमती रही हूँ, इतने अच्छे कपड़े वहाँ बनते हैं। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं ना निदा, तो फिर कोई मुश्किल काम, मुझे तो काम कोई मुश्किल नहीं लगता, हर चीज बिल्कुल नहीं लगता, मैं खाने भी बना लेती हूँ, मैं झाड़ू पोछे भी लगा लेती हूँ, मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, और मैं सब काम सब कर लेती हूँ। मुझे बेटी की शादी करने में और बेटे की शादी करने में क्या फर्क है? अच्छा, फर्क ये इतना मैंने जरूर किया, इसकी शादी में मेरी ट्रैवलिंग भी थी, फिर इसकी शादी के फौरन बाद मैं कराची भी आ गई थी, तो वो जो बेटियों के चाव होते हैं ना कि वो घर आ रही है माँ घर पर हो, तो कुछ दिन ऐसा रहा, फिर मेरा काम था और वो पहले आर्टिस्ट को जो डेट दे दी जाए वो तो हम लोग घबराते थे चेंज नहीं करनी, तो उस चीज को मैंने इधर कवर किया कि अच्छा। वो मुझे बहुत अपने से ज्यादा सादिया के लिए फील हुआ कि इसको शादी के बाद मैंने वो टाइम नहीं दिया जो देना चाहिए था। तो तुम्हें फील हुआ कि खरी इन्हीं को फील हुआ? नहीं, मुझे इनसे ज्यादा फील हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब सलमान की शादी होगी, नहीं नहीं इससे ज्यादा, अच्छा ये कह रही ना मुझे फील हुआ, इससे ज्यादा मुझे फील हुआ, हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत, क्योंकि इस बात पे ना शादी से पहले कहती थी अम्मा आप मुझे टाइम नहीं देती, मेरी शादी सेंसिटिव भी तो होती है ना लड़की, और क्या घर छोड़ के गई होती है। फिर लेकिन फिर अभी मैंने शादी में सोचा कि मुझे शादी से पहले और शादी के बाद ऑफ लेना, तो मैंने 2 महीने पूरा ऑफ लिया कि मैं काम को तो छोड़ दूं, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था, इधर से इमोशनली बहुत ज़रूरी था, आने वाली के साथ बहुत ज़रूरी था, मैं उधर रहती क्योंकि कुछ बताना कि घर के ये बताना पड़ता है हर घर अच्छा, के अपने अपने आहिस्ता आहिस्ता बताएं घर के, क्योंकि आपको तो कराची आने काम करने, तो घर के उसूल और ये सारी चीज़ें वो खैर नेहा देख भी रही थी चीज़ें,
और अभी तक तो ये लोग सलमान और नेहा लाहौर में ही रहेंगे. नहीं, सलमान जब काम होगा तो सलमान इधर आएगा. कराची होगा तो कराची. अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो इनकी भी ट्रैवलिंग जैसे मेरी रहती है, इन लोगों की भी रहेगी. तो लेकिन बहू आते ही आप सास घर से चली जाए तो फिर वो एकदम ही जिम्मेदारी सारी. हाँ, मैं बहू को पता ही नहीं है ग्लास किधर रखा है, मशीन ग्राइंडर किधर रखा है, पूरे कैबिनेट खोल खोल के बर्तन किधर रखे ट्रे. हाँ, ये भी वैसे होता है कि पता ही नहीं होता ना चीजों का नए किचन में. लेकिन वो जैसे घर में तो वो है, लड़का है, उसको भी थोड़ा सा उसको भी ट्रेन करना बहुत जरूरी था कि भाई अब मेरी जगह मैं नहीं होंगी तो नेहा आएगी. तो उसको इस तरह से ट्रीट करना है, नेहा को बताना. ये बहुत मैं समझती हूँ इतनी जिम्मेदारी शादी के बाद और ज्यादा बढ़ गई है. बढ़ जाती है सीरियसली, ये तो है, बढ़ जाती है. और फिर जब बच्चे होते हैं तो और ज्यादा बढ़ेगी. अब आगे इनके बच्चे होंगे तो सोचे कितनी बढ़ेगी. ऐसा आपको सभा पैसे से शूटिंग पे एक बच्चा ले लाती भी नजर आएंगी कि भाई आज मैंने बेबी सिट करना है, शूटिंग भी है. नहीं, बेबी सिटिंग वो नहीं करेंगी, मेरे बच्चे की नहीं की भी नहीं करने दूंगी. यू नेवर नो. हाँ, अच्छा, प्यार भी करना. वो नायल से बहुत प्यार है मुझे, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि कहीं जाना है या मैं कहीं जाकर, तो वो खैर सादिया ने भी नहीं किया. मैं कहीं गई हूं थकी होती है, मैं क्यों दूं. लेकिन जब अक्सर ऐसा हुआ, मैं रात में अम्मा को देखकर चली जाती थी, अम्मा आप लेट जाएं. जब अम्मी के घर रहने जाती हूँ मैं हफ्ते में दो दिन, तो वो फिर अम्मी होती हैं, तो फिर अम्मा के शादी के बाद इंशाल्लाह जब ये वक्त आएगा तो फिर अल्लाह जानता है कि क्या फिर दोबारा छुट्टी लेंगी. हाँ, दोबारा छुट्टी लेंगी. एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आइए एक मजेदार एक्टिविटी करते हैं पूरी फैमिली के साथ. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक खूबसूरत फैमिली आज हमारे शो पे मौजूद है. नौ बयात है जोड़ों को हमने इम्तिहान में खड़ा कर दिया है, बल्कि बिठा दिया है इम्तिहान में. और यहाँ इनके पास जज साहिबान मौजूद हैं, दो दो जज साहिबान हैं. ये सही है, यहीं पे फ्रेम में बिठा दूं या इन दोनों को यहाँ मिला लूं? सही है. ओके जी. अच्छा जी, मैं आप लोगों से सवालात करूंगी. आप दोनों ने सवाल के जवाब अपनी जबान से नहीं देने, लिख के देने, गंदी संदी जैसी भी राइटिंग में, लेकिन जल्दी से, ठीक है? दोनों ने, और आप दोनों से कॉमन क्वेश्चंस होंगे. okay. और क्वेश्चन ज्यादातर इन दोनों के बारे में होंगे. नंद सास और बहन, और नंद सास में बहन और माँ. पहला सवाल, सास अगर नाराज हो जाए तो कैसे मनाना चाहिए? आप अपनी सास के बारे में और आप अपनी अम्मी के बारे में लिख के बताएं. वो सोच रहे हैं, पता नहीं मैं जनरल सा कर दिया. हाँ जी, लिख दिया. Done. चलो एक साथ ऊपर करके दिखा दें ऐसे, ताकि हम कैमरा फोकस कर सके इस तरह. हाँ, इतना लिखिए कि नजर आए. हाँ जी, बहू ने लिखा प्यार से बार बार बात करके. तो यहाँ टिप मिल गई आपके मियां की तरफ से, बार बार बात करके, और आप इसको इंक्लूड कर दें प्यार से. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. डस्टर रखा, आप मिटा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मियां बीवी के मामलात में सास नंद की मदाखलत होनी चाहिए या नहीं, और कितनी होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज लिख दीजिएगा? आपने क्या संभाला, आपने पहले ही कहा था खतरनाक. हाँ, कोई नहीं, मेरा बच्चा बिना झिझक लिख के बोल रहा है, मैं कुछ नहीं है सर. हाँ जी, माइनर हो, कितनी वो बेचारी परेशान होगी, उसका पेन काम करना बंद कर गया है. ये तो नेहा फंस चुकी है. आपने क्या लिखा, परसेंटेज लिख दो, कितना इंटरफेरेंस होना चाहिए, आप दोनों जो तुम चाह रही हो लिख दो, कुछ नहीं कहेंगी ये. आप भी फंस गए. मैंने लिख दिया है, लिख दिया. अच्छा, जल्दी से नया लिखो, होनी चाहिए. चलो, अरे बाप रे. चलो भाई, बोर्ड दिखाइए. सलमान ने क्या लिखा है उधर उधर? नेहा कह रही है के होनी चाहिए, और सलमान कह रहे हैं समझाना चाहिए. कभी कभी किसी पॉइंट पर. ओके, वैसे बड़ी समझदारी से दोनों ने बड़े सही, कहीं कहीं मियां बीवी नहीं हैंडल कर पाते सिचुएशन, तो फिर बड़ों को आप मिटा दें. डस्टर बराबर में है ये. अच्छा, ओके, अगला सवाल. शादीशुदा नंद को हर महीने खाने पे कितनी मर्तबा बुलाना चाहिए? शादीशुदा नंद को घर में बाकायदा डिनर पे कितनी दफा इनवाइट करना चाहिए एक महीने में, कितनी दफा? अच्छा, ऐसी ऐसी बातें तो मेरे ज़हन में नहीं आई, लेकिन आप मेरे ज़हन में डाल रही हैं. मैं बड़ी फब्बे कुटनी हूँ. हाँ भाई,
पर्सन है जो आपने सोचा होगा ना कि अब मुस्तकबिल में ऐसा करूंगी मैं वो लिखो जी मैंने परसेंटेज नहीं लिखी अच्छा। लेकिन मैंने मुझे जो दिन लिख दिया ठीक है ठीक क्योंकि मुझे सैटरडे संडे जाना अलाउ था अम्मी के घर आपको भी कोई अलाउ लाइए जी बोर्ड दिखाइए नेहा क्या कह रही है नेहा कह रही है जब भी वो कहेंगी और सलमान क्या कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ जितनी दफा उनके हस्बैंड खुशी से इजाजत दे कितने समझदारी से जवाब दे रहे जबरदस्त भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आज कोर्स है आज का पूरा 2.5 घंटा आपके कोर्स के नाम अच्छा जी नेक्स्ट सवाल अच्छा अच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जरा गौर से सुनिए शादी के बाद गाड़ी की फ्रंट सीट पे किसका हक है सास का के बहू का ये तो ये बताएंगे नहीं आप ही लिखे ना आपको क्या लगता है आई डोंट नो आज नेहा को मैंने पूछा सलमान भी फंस गया बार बार लिख रहा है मिटा रहा है नहीं वो कभी भी नहीं फंसेगा लिख लिया मैंने अब नेहा बार बार मिटा रही है क्या कर रही है नेहा तो अंडरस्टूड है जो नहीं नहीं सास को कुछ बोलना नहीं है सुनना है मेरे हो चुका है कई दफा अच्छा चले जी दिखाएं भाई हाँ भाई सास को और सलमान ने क्या लिखा है अम्मी को ओ भाई क्या बात है लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं नेहा सोच क्यों रहे आप तो खुद मुझे बिठाते हो कहने माजी ये आपकी जगह है अच्छा ये खुद नहीं बैठती फ्रंट सीट पर हाँ ये नहीं बैठती अम्मी होंगे तो अम्मी अब्बू होंगे तो अब्बू हाँ ये तो हो चुका है ये बड़ी दफा ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जिससे आप अपना घर प्रॉपरली अच्छे तरीके से बसा और इसमें मैं तो अभी तक माशाल्लाह मेरी शादी को तो 5 साल हो गए हैं तो मैं तो अपनी सासू माँ को भी तक कहती हूँ क्योंकि आगे हम जब कहीं भी कई दफा गए हैं डिनर विनर तो नेहा ही सबसे पहले दरवाजा खोलती है और खैर ये चीजें हम मजाक में शादी से पहले बहुत कहते थे ना कि नहीं आगे तो माँ को ही बैठना चाहिए जब माँ साथ जा रही है मियाँ बीवी जा रहे हैं तो मियाँ बीवी माशाल्लाह मैंने एक बात भी की थी अम्मा वो क्या कहा मैंने कहा था कि देखिए माँ बाप का रुतबा होता है और बीवी का मकाम होता है अगर लड़के को दोनों बैलेंस करने आए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं कितनी प्यारी बात है बड़ी बहुत बड़ी बात सुनिए ये बात किसी ड्रामे की स्क्रिप्ट में थी आपने नहीं 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 बहुत प्यारी बात है बहुत प्यारी बात है सीरियसली ये चीज अगर आप गिरह में बांध लेना तो लड़कियां जब शादी होती है मकाम में क्या फर्क है अच्छा अब ये के पूछे रुतबे लुगत मंगाएं जी रुतबा भाई वो एक एक आपकी जो रिस्पेक्ट है और बीवी की एक जगह है तो ये है माँ बाप की एक रिस्पेक्ट है बीवी की एक जगह अभी हम ब्रेक में तो मैं प्रॉपरली समझाऊंगा ओके जी नेक्स्ट सवाल अगर मियाँ कहीं घूमने जाए और गिफ्ट खरीद के लाए पैसे कम हो तो किस लिए किसके लिए गिफ्ट लेना चाहिए यानी कि अगर कहीं मियाँ घूमने गए हैं ठीक है बीवी को लेकर गए हैं और पैसे कम हैं और गिफ्ट लेना है अम्मी के लिए भी बहन के लिए भी बीवी के लिए भी और पैसे कम पड़ गए हैं तो किसके लिए गिफ्ट लेके जाए क्या सवाल है दोनों आपकी तो बहुत आपने लिखी सुने वैसे लड़के मेरे पास बहुत अच्छी टीम है मैं बताऊँ माशाल्लाह माशाल्लाह लड़के पर ना बहुत जिम्मेदारी होती है शादी के बाद है ना यही मैं देख रही हूँ ना कितने पानी आपने भी लिखना है नेहा जी जवाब अब सलमान थोड़ा फंस गए कभी कभार नेहा फंस रही है कभी कभार सलमान ओके जी जवाब दिखाइए हाँ अच्छा नेहा ने लिखा अम्मी और अम्मी के लिए और यहाँ लिखा है बीवी मैं बताता हूँ इसकी वो भी है जब भी चीज कम होगी मतलब आपके पास पैसे कम है कुछ है तो माँ और बहने यही कहते हैं कि बेटा आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं बेगम के लिए ले आओ बेगम खुश हो जाए हमारे पास है और बेगम ये मजे की बात है बेगम कह रही है अम्मी के लिए बेगम कह रही है अम्मी और बहन के लिए तो फिर अगर मैंने डिसाइड करना होगा अम्मी वगैरह सबसे बात हो जाएगी तो मैं नेहा के लिए ले आऊंगा ओह स्वीट स्वीट इसी तरह होता है कि लाइक बहू सास के लिए सोच रही है तो बेटा जो है वो बहू के लिए सोच रहा है इसी तरह रिश्ते ज्यादा पावरफुल बनते हैं जी नेक्स्ट सवाल अगर कभी कभार यार यंग खून है कभी कभार किसी को एक दूसरे की बात बुरी लग जाती है अगर बीवी और नंद में झड़प हो जाए बहस हो जाए किसी बात पर भी तो मियां को किसकी तरफदारी करनी चाहिए बात ठीक है हाँ जी नेहा
जो सही हो, नेहा का जवाब है जो सही हो, और अब जवाब मिटाना नहीं, नहीं मैंने दो लिखे खामोश हो जाओ जो ठीक लग रहा है ओके या तो खामोश हो जाए पतली गली से निकल ले खामोशी को काफी बड़ा किया मानी पतली गली से ये भी तो बहस होती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को सही समझ रहे होते हैं ये खामोशी वाला आंसर ज्यादा एक्सेप्टेबल है या आप गायब भी हो जाए ना घर में है ही नहीं आप शूटिंग में चले गए ना देख रहे ना सुन रहे मोबाइल बंद है ओके जी नेक्स्ट सवाल अच्छा जी शादी के बाद आने वाली खुशखबरी का नाम रखने का हक किसको होना चाहिए शादी के बाद आने वाली पहली खुशखबरी ऑब्वियसली औलाद की होती है और जब वो औलाद पैदा हो जाए तो उसका नाम रखने का हक किसको होना चाहिए मियां बीवी बीवी या माँ बाप ननियाल या ददियाल हाँ जो सारे मेरे साथ हुई है ना चीजें वो सब सवाल है इसमें मियाँ बीबी और यहाँ सलमान ने क्या जवाब लिखा अभी, है अभी लिख रहा हाँ बड़ों की मर्जी प्लस अच्छा अब आप प्लस नहीं डाल रहे हो उसका मैंने कर लिख रही है एक बस एक जवाब अच्छा। हो गया ना अब ये क्या हर चीज में ऑप्शंस हो रहे हैं अच्छा, नहीं नहीं ये वैसे मियाँ बीबी की भी मर्जी होती है इसमें तो अच्छा गुड्डी मैंने देनी है ये पक्की बात है इस पे भी झगड़ा होता है गुड्डी अच्छा मैं शादी बच्चे का नाम तो मेरे ख्याल में जब जब शुरुआत होती है ना तो मियाँ बीवी सबसे पहली बात ये करते हैं कि मैं ये नाम रखूंगी वो कहता है मैं ये तो मैंने भी अपने बेटे का नाम मैंने ये तो होना चाहिए वैसे मियाँ बीवी का लेकिन पक्की बात है बेटा घुट्टी मैंने दे दी हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ मेरे माशाल्लाह तीन बच्चे तो हमारे में बड़ा झगड़ा हुआ पहली वाली घुट्टी एक नंद ने चटा दी दूसरी वाली को घुट्टी जो है वो बहन ने चटा दी तीसरा वाला हुआ तो सबसे पहले यासिर घुस गया घुट्टी चटाने में चटाऊंगा और वाकई यासिर जैसा है मेरा बड़ा फर्क पड़ता है बहुत घुट्टी चटाने से अल्लाह रहम करे क्या होगा अच्छा जी नेक्स्ट सवाल शादी के बाद सास के जो बनाए हुए उसूल हैं उन पर चलना जरूरी है या कुछ चेंजेस बहू और बेटा कर सकते हैं घर में एक उसूल बने होते हैं हर किसी के ना एक रख रखाव होता है कोई मेहमान आया है तो कुछ लोग होते हैं वो खाली हाथ नहीं भेजते मेहमान को या कुछ कोई ऐसे हर किसी के घर में उसूल होते हैं तो ये मुझे पता दोनों ने क्या लिखा डिलीट नहीं एक्सप्लेन मैंने क्या एक्सप्लेन मैं वैसे मुझसे कर अच्छा आप हाँ नहीं क्या एक्सप्लेन करेंगे मतलब अपनी बात को हल्का अच्छा अच्छा ठीक है ओके वो तो पूरी कहानी लिख दी भाई बहन पढ़ के खुद ही सुनाओ ये है फॉलो करें लेकिन अगर कोई अच्छा चेंज है तो जरूर इंप्लीमेंट करें अच्छा फॉलो करें और अगर कोई अच्छा चेंज है तो जरूर इंप्लीमेंट करें ये लिखा है कि मतलब आपने क्या लिखा है कॉम्प्रोमाइज मतलब अगर असूल बने हैं जो नई लड़की आ रही है उसको मुश्किल हो रही है तो फिर दोनों को अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ठीक है ये असूल चेंज करना चाहिए ठीक है अगला सवाल बीवी को कंट्रोल में रखने के तीन तरीके देखिए ये सवाल मैंने नहीं बनाया वरना मैं कभी नहीं कहती बीवी को कंट्रोल में रखना टीम ने बनाया कभी नहीं हाँ अच्छा बीवी को कंट्रोल में रखने के तीन तरीके आप बताएंगे और निया को कंट्रोल में रखने की तीन तरीके आप बताएंगे चलें बीवी को कंट्रोल ये सही है ये मैंने अपनी तरफ से ऐड इन कर लिया हिसाब बराबर बड़ा मुश्किल का ये है सवाल मुश्किल है नया ये तो मुश्किल ही होना चाहिए ये भी है वैसे मुश्किल अच्छा चलो दो लिख दो अगर तीन मुश्किल तरीके हैं तो दो लिख दो वहां तो पेन ही नहीं रुक रहा ना मतलब उठो नहीं नहीं देखना ही नहीं है आप लोगों को अभी अभी ना मिया को कंट्रोल करने के तरीके इधर से मुझे मिलेंगे टिप्स और उधर से बीवी को कंट्रोल में अब ये सारी टिप्स बच्चों पे ही अप्लाई होंगी हमारी तो जिंदगी गुजर गई आपने भी एक तरीका लिखा है मैंने आपने दो लिख दी है मैंने ऐसे दो लिख दी है कंट्रोल करने चलिए सही है पहले आप बताएं मेरे ख्याल में जब आप कंट्रोल करने जाओ बीवी को तो सबसे बेहतरीन चीज तो है आप खामोश रहो
खामोशी जरा होती है ना, उससे ये होता है कि बीवी का जो गुस्सा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. कंट्रोल तो होना नहीं, आपको पता है बीवियां लड़ाकी होती है, क्या कंट्रोल होता है. वो जैसे मैं फेसबुक पे पढ़ रही थी कि लड़की गई डॉक्टर के पास, उसने कहा कि भाई आजकल मेरे मियाँ नींद में इतना बोलने लगे हैं, कोई इलाज बताएं. तो उसने कहा कि आप दिन में उनको बोलने नहीं देती ना, तो उन्होंने नींद में तो बोलना ही है. फेसबुक की कुछ चीजें इतना मजा देती बहुत मजे की होती हैं. अच्छा तो आपने क्या लिखा कि पहले तो खामोशी है ना, कि कैसे आप कंट्रोल करोगे. तो खामोश हो जाओ तो सिचुएशन सारी तो फिर आराम से हो जाएगी. और दूसरा क्या, वो भी एक किस्म की वैसी है, कह दो ठीक है ठीक है आप ठीक है जी. नेहा आपने क्या लिखा, बात करना खत्म, बात करना खत्म कर दो. यहाँ पे भी खामोशी है भाई, ये ऐसा तो बहुत मसला हो जाएगा. दोनों की एक जैसी चीज है खामोशी जी. तो यहाँ हमें एक टिप मिली है मियाँ बीवी की अच्छी जिंदगी के लिए, दोनों खामोशी कंट्रोल में अगर रखना है तो खामोशी. एक टिप तो ये है, वैसे ये बेहतरीन है टिप है ना, खामोशी कुछ टाइम. लेकिन अगर बीवी मॉर्निंग शो होस्ट हो तो क्या क्या करे. हाँ जी एक ब्रेक ले रहे हैं, मेरी बात सुने. सारा दिन आप बोलती है ना, फिर रात में वो बोलते हो. नहीं फेसबुक वाला सब मैं नहीं थी, वो मैं मेरे ऊपर नहीं बताया डॉक्टर ने. एक ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे पास इतनी खूबसूरत फैमिली है, इतनी प्यारी और आइडियल फैमिली है. अल्लाह ताला इनको नजरे बद से बचाए. और मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि इनको देखें आज तो प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल दें और SMS करें दुआओं के जितने आप दे सकते हैं. और आपको ऑनियर भी कह रही हूँ, जाते वक्त बस अपनी फैमिली का सदका देते जाएंगे माशाल्लाह. जब हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही होती है, बस अल्लाह ताला सब अपने खैर में रखे. अब आप दोनों उधर कुर्सी पे आ जाए. और आप क्योंकि चश्मा नहीं लाई है तो आपने आप मेरा जो जवाब है वो तब देंगी जब सादिया लिख चुकी होगी वो दिखाई. बस ठीक है, ठीक है. हाँ सादिया तुम रेडी हो लिखने के लिए और आप सोचने के लिए? हाँ जी रेडी. पहला सवाल, पहला सवाल, मैके जाते वक्त क्या सास को बताना जरूरी बात है? यानी कि अगर मैके जा रही हैं, परमिशन लेना, सास को बताना, इन्फॉर्म करना, क्या जरूरी है या नहीं? इन्होंने नहीं लिखना, इन्होंने सोच के बताना है. जी तुम अपना प्लीज, ओके प्लीज कैमरे में बता दे. अच्छा अब आपसे मैं पूछूंगी. जी सबा जी, देखें घर में जब बड़े होते हैं ना तो बड़ों की रिस्पेक्ट यही है कि कोई भी फैसला हो इसे इन्फॉर्म करना नहीं होता इसे जस्ट. लेकिन माँ बाप के घर आप दिन रात जा सकते हैं, जा सकते हैं. माँ बाप के घर जाने से मना नहीं किया जा सकता. इसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी हामी मैं हूँ. अच्छा. लेकिन बड़ों की मौजूदगी में पूछना, इन्फॉर्म करना जरूरी है. और दोनों माँ बेटी ने यही जवाब. ओके ओके जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दो वहाँ. मिटा दो. अच्छा कौन सा एक काम घर का हर बहू को लाजमी शादी से भी पहले आना चाहिए? कौन सा एक काम शादी से भी पहले बहू को लाजमी आना चाहिए? ये बहू भी और भाभी भी, आपके लिए भी, नंद के लिए भी सवाल है. और हाँ दिखाऊं? हाँ दिखाओ कैमरे में, दिखाओ कैमरे में. ठीक है ना, मैं भी देख लूं. ओके जी अब आप जवाब दीजिए. हाँ मेरे ख्याल में घर आए मेहमानों को सर्व करना, घर आए मेहमानों को सर्व करना. हाँ अच्छा. और सादिया ने लिखा मैनेजमेंट. हाँ जो कि एक ही बात है कि लाइक मेहमान आए कैसे मैनेज करना है सब चीजों को. ठीक है ओके जी नेक्स्ट सवाल, शादी के बाद क्या बहू की पॉकेट में, अगर बहू कमाती नहीं है हाउसवाइफ है तो क्या उसकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए? होने चाहिए मतलब पॉकेट मनी मिलनी चाहिए उसको, उसकी पॉकेट में पैसे होने चाहिए? दिखा दो कैमरे में. हाँ ठीक है जी आपका जवाब. मेरे ख्याल में बिल्कुल होने चाहिए. हाँ क्योंकि मर्द से ज्यादा औरत सोच समझकर खर्चा करने वाली होती है. उसको पता होता है कि आगे तक का क्या हिसाब किताब है. मर्द ने कमा के ला के दे देना है तो उसे मैनेज करने के लिए वो मेरे ख्याल में औरतों के पास हो तो ज्यादा बेहतर. ज्यादा बेहतर. भाई कैमरे का रुख जरा कभी कभार दुल्हन की तरफ भी करें ताकि पता चले कि वो सुन भी रहे हैं कि नहीं.
आप लोग की टिप्स लिखते जाए, आप लोगों के काम आएंगी आगे चलकर जी। अच्छा बेटा, जब काम से घर आए, जब शूटिंग से घर आए, तो उसको सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? क्या वो सीधा कमरे में जाए और वहाँ हेलो हाय करके आ जाए अम्मा के पास, या अम्मा से हेलो हाय करके कमरे में चला जाए, कहाँ जाना चाहिए? शरारती सवाल है, बिल्कुल भी शरारती नहीं है। हाँ ओके, हाँ भाई शादी तो हर चीज सोच के लिख लिख रही है, उसने भी तो अपना ससुराल ससुराल मैं अपने आप को उस जगह रखती हूँ। हाँ अम्मी से। अच्छा पहले आपसे, पहले 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 आपसे सवाल, भूल ही गई ना। हाँ नहीं, ये तो वही बात मैं कह रही थी ना, एक रुतबा है, एक रिस्पेक्ट। हाँ, तो बिल्कुल आना चाहिए, सलाम हाँ, दुआ करके, दुआएं लेकर हाँ, फिर जाना चाहिए, फिर जाना हाँ, चाहिए। हाँ, सेम आंसर है मेरे, सेम आंसर भाई। अम्मी और नंद और सास की बड़ी बनी दिमाग ही जैसे। ओके जी नेक्स्ट सवाल। हाँ अच्छा, आप अपनी बहू की तीन अच्छी और एक काबिले कबूल आदत, मतलब काबिल एक तीन अच्छी बता दें और एक काबिले कबूल। अच्छा हाँ, बस ये सो सो है ये आदत। अच्छा अच्छी, तीन अच्छी बताएं पहले, लेकिन तुम अपनी भाभी की। अच्छा अभी तक वैसे तो नेहा है ही अच्छी, अच्छी है तो मैंने पसंद की है। अभी तक हमें उस तरह की आदतों का इतना ज्यादा, क्योंकि अभी तक तो ये हनीमून पीरियड में है। हाँ, हाँ, जब जिंदगी एक उस पर चलेगी, हाँ, तुम लिख जाओ ना, तुम लिख दो। अच्छा, मुझे जिंदगी जब ऐसे हाँ, चलेगी ना तो फिर हाँ, आपको पता है ना, पता फिर आती है ऊंची नीची समझा। लेकिन इंशाल्लाह जब ऐसा वक्त आएगा तो मैं बड़े प्यार से हैंडल करूंगी। बहुत समझदार है। कहा कि ये आपको अच्छी आदत लगी कि आपने जो बनाए हुए कपड़े थे वो सिर्फ नहीं, हाँ ये एहसास, एहसास वाली चीज, एहसास एक तो आदत अच्छी है। हाँ, एहसास। अच्छा तीन अच्छी और एक काबिल कबूल, जो लाइक कॉम्प्रोमाइज वाली होती है ना, कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो हम बर्दाश्त कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, इंसान है ना कह रहे। हाँ, तीन अच्छी भी तो है तो एक अच्छा ए, हाँ, मतलब मैंने देखा है कि जब शादी हुई है फौरन उसने उसका वार्डरोब वगैरह उसकी हाँ, हर चीज वो सिर्फ बोलता है हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो वो है ना हाँ, जो मैं सारी जिंदगी उनको समझाती रही, बेटा कपड़े उतारने हैं तो ऐसे रखने हैं, वो हाँ, सब मैं करती रही हाँ, तो वो सब नेहा भुगत रही है। अच्छा तो शायद बीवी के आने के बाद थोड़ा सा चेंज भी आ जाए। अच्छा, लेकिन वो नेहा माशाल्लाह बड़े अच्छे से उसे, अच्छा, मतलब मुझे कोई हाँ, वो टेंशन नहीं, बहुत अच्छी आदत है हाँ, और फिर वो मैंने बताया कि मेरी पसंद को देखते हुए एहसास वाली हाँ, और इसने बहुत जल्दी वो जो एक देखें जो सास को माँ कहने में ना हाँ, टाइम लगता है हाँ, लेकिन इसने जितनी खुले दिल से मुझे माँ जी कहा है ना हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी आदत हाँ, बात भी बहुत अच्छी हाँ, अब तीन तो बड़ी अच्छी आदत है आपने बता दी, एक जो आप कहती हैं ओके सही है कोई बात नहीं। वो मेरे ख्याल में नेहा का जरा थोड़ा सा अगर मूड ऑफ हो तो मुझे पता चल जाता है, तो वो अच्छा, थोड़ा कंट्रोल। अच्छा वो सबकी आदत है हाँ, मेरे ख्याल में मेरा भी मूड ऑफ होगा ना तो मैं छुपा नहीं सकूंगी। अच्छा, सादिया अच्छा, का भी होगा, ये हमारे घर में तीसरी आ गई है, तो ये हमारे जैसी आदत है, तो हमें अपनी भी नहीं पसंद नेहा की भी। अब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है, खवातीन की टीम, तो मर्दों जरा ख्याल रखो, खवातीन का मूड ऑफ हो तो वो बत्ती जल जाती है, बत्ती जल जाती है, क्या करें, मूड ऑफ वाली रेड लाइट। जी आपने क्या लिखा, ये तीन अच्छी, अब आप बोल सकती हैं, अम्मा ने बोल दिया। एक मैंने नेहा की जो तीन अच्छी, लविंग है, हेल्पिंग है और लिसनर बहुत अच्छी लिसनर है। अच्छा हाँ, और अगर नहीं लिसनर भी अच्छी हाँ, है और माशाल्लाह वो जो, उधर है? जो बात करती है ना उसको फिर वो डिटेल में जो सुनाती है ना हाँ, वो भी बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा हाँ, सुनती भी अच्छा, बोलती भी अच्छा। काबिले कबूल में मैंने ये लिखा है कि अगर कोई किसी चीज के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल है तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बंदा। हाँ, अभी शादी के जो 2 साल होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट साल होते हैं, शुरू से किसी बात के लिए अगर इर्रिस्पॉन्सिबल हो, अगर हो आगे चल। अच्छा ये अभी आंखों में बात चल रही है, वो सोची मैं किस बात के लिए नहीं मतलब एक जनरल बात, जनरल बात कर रही हूं। ओके जी, अच्छा जी, क्या मियां बीवी जब भी बाहर घूमने जाएं तो क्या सास नन से पूछ के जाएं या उन्हें कहें आए आप भी चलें हमारे साथ? सादिया लिख रहे मैं बता, हाँ चल भाई सादिया हाँ। हो गया हाँ।
अम्मी से पूछ ले, मुझसे पूछ दे, तो कोई जरूरी नहीं है। जी जी। हाँ नहीं, कोई इतना मियाँ बीवी जा रहे हैं, जा सकते हैं। हाँ, जाते जाते भी बता सकते हैं कि अम्मा हम, और जाने से पहले अगर बताएं कि हम जाना चाह रहे हैं, तो आपको कोई काम तो नहीं, आप साथ चल रही हैं या, तो वो ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। लेकिन वैसे भी जा सकते हैं, और ऐसे ही करते हैं ये लोग। कोई ऐसा मसला नहीं, नहीं कोई मसला नहीं। असल में आप वाली सास जो है वो घर में नहीं बैठी हुई ना। हाँ, वो खुद इतनी बिजी है, वो खुद इतना काम कर रही है, काम कर रही होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि भाई जाओ घूमो फिरो। आप लोगों की ये लाइफ, ये टाइम जो है ना, ये बड़ा कीमती है इसमें। और आपको पता है, शादी के बाद इनको फौरन हनीमून पर भेजने वाली भी मैं थी। अरे वाह, कि फौरन जाओगे ना तो मजा कि दोनों फैमिलीज की इंटरफेरेंस नहीं होगी ना, तो आप लोग की जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो बहुत, क्योंकि शादी के बाद इसमें कोई शक नहीं कि पूरे ससुराल को लेकर चलना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है ना वो मियाँ बीवी, मियाँ बीवी का। उनमें प्यार मोहब्बत होगी ना तो बाकी खुद ही दिल चाहता है। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत होती तो खुद ही दिल चाहता है कि उनके घर वालों का एहसास करें, उनका ख्याल रखा जाए। वो ये वाली बात है। हाँ अच्छा, एक अच्छी सास और एक अच्छी नंद होने की टिप क्या है? ये आप सारी जनरली जितनी भी सासें देख रही हैं, जितनी भी नंदे देख रही हैं, उनको प्लीज बताइए। चलो नंद लिखो, आप बताइए। मैं बता देती हूँ, मैं क्या टिप दूँ? एक अच्छी नंद होने की टिप के दूसरी नंदों को बताओ कि अगर अच्छी नंद बनना है तो ये चीज होनी चाहिए। हाँ। और आप एक अच्छी सास होने की किला, एक अच्छी सास बनना है, क्योंकि सास का रिश्ता, बहू का रिश्ता, ये बदनाम हो गया ना बड़ा इंटरनेशनली, तो वो उसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ। सास मैं बोल दूँ? आप बोल दें, क्योंकि अच्छा, उसकी अलग होगी ना। वो मुझे सबसे अहम ये बात लगती है कि जब बहू आई है घर में, तो उसने कोई गलती की है तो आप माफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहू है। आपकी बेटी ने बातें की हैं या बेटी कोई काम कर रही है, उसे आप इग्नोर कर दें तो इस चीज में मैं कहती हूँ ये बहुत गलत है। अच्छा, अगर आप बड़ी बड़ी बातें अपनी बेटियों की भी इग्नोर करते हैं, तो आपको अपनी बहू की भी इग्नोर करनी चाहिए। इग्नोरेंस, हाँ, बहुत जरूरी है, इग्नोर और समझाना। अच्छा, अगर वो कोई गलती कर रही है तो उसको उस तरह समझाएं जैसे आप अपनी बेटी को समझाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी तो प्रैक्टिस यही रहेगी कि मैं जब तक हो, मैं बड़ी हूँ, मैं नेहा को समझाती रहूं। अगर मैं सादिया को समझा सकती हूँ तो मैं नेहा को भी समझा सकती हूँ। जबरदस्त। और सासों को समझाना चाहिए। ना कि मुंह बना के बैठ जाएं या ये कहें कि जी इसने ऐसा क्यों नहीं किया, या ये गलत है। जी नंद, मैंने तो कहा गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। जबरदस्त। आइए जी, खत्म हो गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। बड़ा आसान सा इम्तिहान था, आसान सा इम्तिहान। वाह, ये वो बातें तो हमारे रोजमर्रा हो रही होती हैं। हाँ, तभी तो वो वाली चीज है ना, हर किसी के घर में होती है। जब शादी होती है तो यही सवाल होते हैं, जब दावतों वगैरह से फारिग होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जब रूटीन लाइफ की तरफ जाती है। अच्छा नेहा, जब तुम्हारी शादी हो रही थी, जैसे वही मैंने बताया ना कि मेरे ससुर विलन थे तो डराया जा रहा होता था कुछ, तो जब तुम्हारी शादी हो रही थी, अब जिससे शादी हो रही है वो भी ड्रामों में आ रहा है, ड्रामों का मतलब लाइक एक सर्टन एक माहौल होता है, एक माइंड सेट है, वैसा ऐसा साफ बात है, माहौल तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि बहुत घरेलू माहौल भी होता है हमारा, ये भी काम करती है, वो भी करती है, तो डराया था शोबिज फैमिली में जा रही हो, ये होगा। हाँ जी, बहुत बहुत सारे लोगों ने, बहुत एक-एक बंदे ने, एक-एक हर किसी ने। अच्छा पहले बताओ, सलमान के हवाले से क्या डराया था कि देखो भाई लड़कियों में होगा, हर वक्त लड़कियों में काम करता है, दिल फेंक होगा, वैसा होगा, पता नहीं कितनियों के साथ होगा, और तुम्हें क्या पता लगेगा सेट पे जाके वो क्या क्या कर रहा है, तो बड़ा कुछ था सुनने के लिए। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई, मुझे पता है उनका। तो वो जो शुरू का टाइम पीरियड जिसमें मैंने आपको बताया था, मेहनत इन्होंने काफी की थी, वो इनकी काइंड ऑफ अग्नि परीक्षा नहीं होती। हाँ जी, अग्नि परीक्षा, मतलब वो एक बड़ा हार्डकोर वर्ड है ना, कि मतलब स्वेयर इनके हार्डशिप्स में मैंने इम्तिहान मतलब पूरा मैंने क्रॉस चेक किया था हर जगह से, कि बात में सच्चाई है भी कि नहीं है, मतलब कि ये तो कह देते थे और इनको लगता था मैंने कह दिया, वो भी इजी, मैं भी कहती थी ओके ठीक है, वो ओके हुआ नहीं होता था, मैं कहती थी ओके है भी कि नहीं है। तो बड़ा कुछ मैंने ऐसा, अपनी आंखें हर वक्त खुली, बल्कि अभी भी खुली है, तो वो जरूरी है ना। तो अब भाई घर के भेदी तो यही हुए ना, मतलब यही बता देंगे। हाँ जी, तो और क्या, ऐसा ही है। और दान खींचने के लिए बोलो कि तो शो बिजनेस में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो घर, हमारी तो फैमिली में मेरे बच्चे ये कहते हैं तौबा है अम्मा, आपकी वजह से तो हमारी कभी सारा वक्त तारे खिंची रही हैं, क्योंकि हर बात अच्छा आपा
अच्छा तो मैं क्योंकि सेट पे आपको जानने वाले भी होंगे, सेट पे हम बहुत कॉन्शियस होते हैं ना, सेट पे हम बहुत कॉन्शियस होते हैं अम्मी की वजह से सारी खबरें पहुंचती हैं। फोन करके पूछ लेती हैं अगर उनको लगे ना कुछ, तो आपको पता है एक फोन करना होता है, तरीके से पूछना होता है, तो देख लेना, तेरा नजर रखना जिसके साथ काम कर रहा उसकी खबरें अच्छी नहीं है लड़की। अच्छा आप करती नहीं, मैं अब नहीं करती, मैं कुर्ती रहती हूँ बस। मैं कुर्ती रहती हूँ फिर उसके बाद मैं दुआएं करती हूँ, अल्लाह मियां बचा के रखना, अल्लाह मियां बचा के रखना। अच्छा और इनकी तरफ से क्या डराया गया था? अम्मा की तरफ से कि ये देख लो, ये तो हर ड्रामे में ये विलन है, तो ये और सास ही विलन है, सास ही नेगेटिव है, तो ये बेटा देख लो, ये होंगी तुम्हारी सास, तो देख लो। तो मैं भी फिर कंफ्यूज हो जाती थी, मैं कहती थी कि ये अगर असल में ऐसे मतलब मेरे साथ हुआ, वो कैरेक्टर्स है ना, वो एक ना एक बंदा आप देख रहा हो और वो फिर आपकी होने वाली सास भी, और वो सास ही प्ले कर रही हूँ नेगेटिव उसमें, तो वो फिर एक होता है ना कि यू नो, तो वो फिर मैंने ऐसा काफ़ी डर भी लगा मीनवाइल, लेकिन फिर जिस टाइम पर मुलाकात हुई और जब चीज़ें मतलब थोड़ी सेटल हुई तो फिर मुझे आइडिया, मैंने कहा नहीं ये वो सिर्फ वो ड्रामा वाली सास, वो ड्रामा वाली सास असल में बिल्कुल भी नहीं। सादिया का वो वाला ड्रामा देखा था, सबा परवेज थी ना आपकी अम्मी और आप? हाँ जी, क्या नाम था ड्रामा? मरासिम। मैंने वो फॉलो किया था, तो वो तो नहीं देखा था आपने? नहीं, वो भी ऐसे ही था, है ना, वो ऐसा था लड़ा अच्छा के नहीं देखे, देखना भी नहीं हुआ। ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन वो सादिया तो अच्छी ना थी। आपा के साथ तो दोस्ती, मतलब सादिया आपा के साथ दोस्ती है, हाँ। वो फ्रेंडशिप ऐसी है कि तो वो दोस्ती वाला ज्यादा रिलेशन है, नन भाभी वाला वो फैक्टर नहीं है मेरे ख्याल में, वो फॉल करता है लेकिन लेटर ऑन, पहले हम लोगों की दोस्ती है, तो इंशाल्लाह कायम रहेगी दोस्ती के। नंद और अगर भावच की, भावच कहते हैं ना, नंद भावच की अगर दोस्ती हो तो जिंदगी आसान है, ये है एक चाबी, ये फेसबुक पे मैंने पढ़ा था, ये है चाबी अच्छा अच्छी जिंदगी गुजारने का कि नंद भावच की दोस्ती होनी चाहिए। एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इस प्यारी सी फैमिली के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हमारे पास जो गेस्ट है मैंने उनके कान बंद करवा दिए, म्यूजिक आप लगा दें क्योंकि मैं इनके साथ ऐसी बात करने वाली, घरों में क्या होता है एक बात कोई सुन के आता है और फिर वो आगे पहुंचते पहुंचते कहां तक निकल जाती है, हाँ तो वही चीज होने वाली है, चाइनीज विस्पर जो हम खेलते हैं एक दूसरे के कान में बात करते हैं, बात का बतंगड़ बन जाता है, तो यहाँ देखते हैं कि बात का बतंगड़ एक्चुअली क्या बनता है। सबसे पहले मैं बात बताने वाली हूँ इनको, और जब मैं इनको बताऊंगी तो मैं इनकी तरफ देख रही हूँ, तो कौन सा कैमरा मान है? हाँ ओके जी, पहला पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, अब जो भी समझ आ रहा है बताएं आगे, फिर बोलें एक दफा। अच्छा पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, बिजली का बिल में समझ आ गया, जोर से बोले आपको हल्के बोलने की, यही तो गेम है। हाँ दूध, बिजली का बिल महंगा हो गया। हाँ अच्छा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? हाँ, ओके। बिजली का बिल, नहीं आपने जोर से बोलना, बिजली का बिल महंगा हो गया। क्या हो गया? बिल महंगा हो गया। चलिए आप बताएं जो समझ आया। मुझे तो ये समझ आया बिजली का बिल महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया। हमारे घर में नहीं होगा ये सब, मैंने इन्होंने जो मुझे कहा पेट्रोल महंगा हो गया, नहीं तो मैं मुझे सुनाई दिया बिजली का बिल महंगा हो गया, तो आखिर तक वही गई है, हमारे घर सही है, सही है बात, सही पहुँच जाएगी। मुझे लगा ऐसी क्लैपिंग कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कान 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 लगा फिर ओके अब आप कान लगा लें और आप इधर देखिए। हाँ अच्छा मैं उधर से जा रही हूँ, ओके ओके हाँ अब तुमने मुझे देखना है बस, सिर्फ तुमने, हाँ रेडी गेट सेट। मैं भी शायद को सितारा इम्तियाज नहीं गया, मैं भी शायद को सितारा इम्तियाज नहीं गया, जो भी समझ आया है। मैं भी शायद को तमगा इम्तियाज मिल गया, मैं भी शायद को महविश हयात को, दूर 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 जाए ना, अच्छा महविश हयात को तमगा इम्तियाज मिला मिल गया,
इम्तियाज का है? हाँ बस हो गया हो गया, अभी तो नहीं। अच्छा एक मैं भी शहाद को तमगा इम्तियाज फिर पकड़ लिया। हाँ बस अभी आपने ऐलान नहीं करना है, अम्मी को बताना है, वहीं पे खड़े अम्मा को बताओ। हाँ ना अम्मा को समझाए। नहीं नहीं आप पूछ नहीं सकते। मैं भी शहाद को तमगा इम्तियाज मिला, इम्तियाज यही था, ऐसे ही कुछ था। नहीं मैं भी शहाद को तमगा इम्तियाज मिला। चलिए जी बताएं, ऐलान करें। मैं भी शहाद को तमगा इम्तियाज मिला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओ माय गॉड, सही पकड़ गई लड़की, या तो मैंने ज्यादा बोल दिया। अब आप लोग फिर कान पे लगाएं, बहू की बारी, देखते हैं कौन कितनी न्यूज। हाँ अच्छा सुनिए, इसका इसमें से आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये मेरे ख्याल में ये अभी चीटिंग है, ये तार खींच गई है। देखें मैंने मैंने चीटिंग नहीं की, फिर चीटिंग नहीं की है भाई, ये तार जोड़ने आए, कोई तार जोड़ने आए, वरना मेरा गेम जो है वो बिल्कुल खराब हो गया। इस साइड से कहां गया उसको? ये इस साइड से निकल गया, गिर गया वो। हां कोई नहीं, आवाज तो आ रही है। बाकी जरा अपने अपने आप को पलट लेना। अब मैं नेक्स्ट बहू की तरफ जा रही हूं। नन उधर मुंह करे और सास उधर मुंह करे। हां सिर्फ मैं अच्छा ओके। हां आप भी उधर मुंह करें। ओके डॉक्टर आमिर ने आकर दो लोगों पर केस करने वाले, डॉक्टर आमिर ने आकर दो लोगों पर केस करने वाले, दो लोगों पर केस करने वाले, मैं ही नहीं बताऊंगी आगे। चले सलमान तुमने क्या कह लिया? डॉक्टर आमिर ले आकर दो लोगों पर केस करने वाले हैं। अच्छा ओके हो गया। हाँ जी नहीं? हाँ आप इधर ही देखिएगा, आप इधर आइए। हाँ डॉक्टर आमिर लियाकत दो लोगों पे केस करने लगे। बेटी को बता देना डॉक्टर और पता नहीं कौन दो लोगों पर केस कर रहे हैं। डॉक्टर और पता नहीं कौन दो लोगों पे केस कर रहे हैं। सही है? डॉक्टर आमिर आकर दो लोगों पर केस करने वाले। अच्छा डॉक्टर और पता नहीं कौन दो लोगों पर। ओके आप जो है लास्ट अब देखते सलमान क्या गड़बड़ करते हैं। चले आप लोग उधर पलटे मुंह अपना। हाँ सलमान ये किसी की ये फिर किसकी बाहर निकल गई? अच्छा रहने दे वो रहने दे बस। अच्छा हाँ वो रहने। ओके भाई ये बाहर निकली हुई अब क्या होगा? हाँ अच्छा रे ये तो उतार दूं? हाँ नहीं नहीं ये नहीं उतारना आपने रखना है। ओके रेडी हैं आप? यस। हाँ इमरान अच्छा क्या बेटा हुआ? मुबारक हो अच्छा साहब को। मुझे किसको बताना है? आपने अम्मी को बताना है। चले वो कुछ कह रहे हैं आप। मजे मजे बच्चे मजे। इमरान अशरफ का बेटा हुआ। ठीक है नेक्स्ट। अब जो है नेक्स्ट आपको बताएंगे। आप उधर मुंह करेंगे। हाँ आप इधर मुंह करेंगे। इमरान अशरफ का बेटा आप बताइए। इधर बताइए और आप उधर घूमिए। हाँ इमरान अशरफ का बेटा हुआ। अब सबको बता दो इमरान अशरफ का बेटा हुआ। लेकिन सुनी सुनाई बात पे नहीं यकीन नहीं करना चाहिए। आगे आए ना प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नहीं ये तो पता नहीं चल रहा है। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ शो करके और इतनी अच्छी फील आई और एक बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझ आया कि अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको पहले से गिरे में बांध लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी। जब शादियां होने लगती हैं लड़कियों की तो उनको रंगून वाला हॉल या कोई खाना पकाने के लिए भेज दिया जाता है, ये सिखा दो फलाना सिखा दो ये सिलाई कढ़ाई सिखा दो। एक्चुअल जो चीज़ सिखाने वाली है मुझे लगता है आज हमारे शो ने सिखाई है इस फैमिली के थ्रू। तो ये ज़रूर सिखा के अपनी बच्चियों को भेजें। और मेरे ख्याल से एक सेशन जो है वो मदर इन लॉज के लिए भी होना चाहिए जब वो पहली दफ़ा बन रही हैं
मदर इन लॉ, तो आपको तो एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि आप सिर्फ घर में नहीं रहती, आप बाहर उठती बैठती हैं, आप हर तरह की चीज़ें देखती हैं, तो आपका कैनवस वैसे ही ब्रॉड है. लेकिन जब घरेलू खवातीन होती हैं तो इधर उधर के लोग बहुत कान भरने वाले होते हैं. एक्चुअली नई निदा होता ये है कि जो फारिग होगा ना, हाँ, उसके पास सोचने के लिए बहुत फारिग दिमाग शैतान, तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है ना अपने लिए सोचने. इसका मतलब जॉब करने वाली सांसें ढूंढनी चाहिए लोगों को. सबको मसरूफ ही होना चाहिए वैसे. मसरूफ. लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है जो इस आपको शो से भी मिला हुआ कि किसी और की बातों में नहीं आना. आपका अपना एक्सपीरियंस होता है और कोई भी फील्ड खराब नहीं होती अगर आप खुद अच्छे हो. अक्सर होता है रिश्ते भी नहीं मिलते ना शोबिज में काम करते हैं, आप एक्टिंग करते हैं. सॉरी, हाँ, मुश्किल होती है, बिल्कुल मुश्किल होती है, होता है. मेरे मियाँ को भी हुई होगी और आपको भी हुई होगी. तो जी, थैंक यू सो मच आपका और बहुत शुक्रिया सादिया, थैंक यू आपने बुलाया. थैंक यू सो मच. प्लीज कुछ आप कहना चाहेंगे अपने फैंस को? निदा, आपका बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया. और सबसे बड़ी बात, कल फैसल ने भी एक बात कही जो मैंने शायद उस वक्त मिस कर दी, कि आप लोग प्लीज़ हमारी फैमिली को जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह से देख रहे हैं, उसी तरह उन्हें दुआओं में भी शामिल रखें. मियाँ को कह दो मुझे बड़े याद आ रहे हैं, वो ये भी खुशी है. ये कैमरे, हाँ ये कह दो. अच्छा, नहीं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया. कल हम आप एक और शो में थे, आज हम ARY के दूसरे शो में, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. और अम्मी ने जैसे कहा दुआओं में याद रखें, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपकी बहुत ज़्यादा दुआ चाहिए. थैंक यू. दुल्हन या भाई, दुल्हन हुई ना जी, दुल्हन है अभी. हाँ जी, मैं ये कैमरा कौन सा वो वाला रेड लाइट जो. थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड गिविंग अस सो मच लव. इतना प्यार सोशल मीडिया पे, इतना प्यार शादी के सारे इवेंट्स, इवन हम लोग जब हनीमून पर थे तब इतना प्यार. और थैंक यू सो मच निदा, आपने मलाई में भी कुछ कह दो, मुझे मलाई में कह दो. वो सलामत दतांग. इसका मतलब क्या है? वेलकम. तो थैंक यू सो मच निदा, आपने हमें बुलाया, इतना ज़्यादा प्यार दिया आपने और बड़ा मज़ा आया हमें आपकी एक्टिविटीज़ का और सब कुछ आपके शो का. इट्स अ लवली शो एंड यू आर सच अ नाइस एंड वेरी वंडरफुल होस्ट. थैंक यू जी. सलमान, नीलम के साथ तो ये अच्छे नहीं रहे लेकिन ये पक्का है इंशाल्लाह. हां इंशाल्लाह. अम्मा है यहां पे. तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सबका, इस प्यार का, ARY का, आपका. आपने इतना अच्छा शो किया और इतना मज़ा आया, तो गाइस थैंक यू सो मच और दुआ कीजिएगा जरूर. बिल्कुल जी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आज आप इनको माशाल्लाह कहिए और इनके लिए बहुत सही दुआएं लिख के भेजिए, मैं इनको पहुंचा दूंगी सही दुआएं. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम इंशाल्लाह कल मिल रहे हैं. गुड मॉर्निंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.